हेलो स्टूडेंट्स, सीएलसी की यूनिक अप्रोच गुरु नीति के सेल बायोलॉजी के एपिसोड्स हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपके साथ एमएम बलडोदिया और जैसा कि आप जानते हैं मेरे साथ जाना माना चेहरा सर्वेश यादव सर हैं। पिछले दो एपिसोड्स जो सेल बायोलॉजी के हमने किए हैं उनमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन और उसके अलावा सेल ऑर्गेनल्स को इंक्लूड किया है। आज कुछ सेल ऑर्गेनल्स के साथ साथ हम स्पेसिफिकली डिविजन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। ये जो गुरु नीति है एक अपने आप में स्पेसिफिकेशन लिए हुए है। दो लोग जब आपके सामने खड़े होते हैं तो अपनी पूरी एनर्जी लगाकर आपके साथ वो बातें डिस्कस करना चाहते हैं जिससे आप सब्जेक्ट की थीम को समझें, सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर करें और आपका अच्छा, आपका बेहतर और आपकी बेहतरी जो है वो इसको और अधिक मजबूत बनाती है और अधिक सुदृढ़ करती है। तो मैं फिर आपसे वादा करता हूं कि इस एपिसोड के साथ, अगले एपिसोड के साथ भी हम इसको और बेहतर करने का लगातार प्रयास करेंगे। सर्वेश सर, थैंक यू मैम। सर, जैसा कि सर ने कहा, हमने जो तीन गुरु नीति आपको अभी प्रोवाइड करवाई है सेल बायोलॉजी की, तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मिले, दोनों पे बेस्ड है। और हमने पूरी कोशिश की है और बाकी सारे जो क्वेश्चंस लिए हैं, जैसा बच्चों के रिव्यू आए हैं, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। पूरा अपन ने लगभग मोस्टली टॉपिक को क्या किया है, कवर किया है, कोशिश की जी। और आज के इस लेक्चर में, आज के इस टॉपिक में हमने जो रिमेनिंग सेल ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस, इसके अलावा आपका सेंट्रोसोम एंड सम स्ट्रक्चर्स लाइक सीलिया, फ्लैजेला एंड द साइटोस्केलेटन, उनके क्वेश्चंस ऐड किए हैं और डिवीजन स्टार्ट कर दिया है जिसमें माइटोसिस से रिलेटेड अपन बातें करेंगे जी। तो शुरू किया जाए क्वेश्चन नंबर 91। इससे पहले स्टूडेंट्स आप 90 डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट में 42 आपने डिस्कस किए थे, देन 48 क्वेश्चंस आपने डिस्कस किए थे सेकंड में, तो मैं 91 से इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। ये देखिए क्वेश्चन है आपके पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। और इसमें देखिए कहा है, ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल्स हैव क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो देखो सर, बहुत क्लियर सी बात ये कहना चाह रहा है कि ये जो सेल है, इस सेल का न्यूक्लियस है और सेल के न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटीरियल, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन जो प्रेजेंट होता है, दैट क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, और ये क्रोमोसोम्स के फॉर्म में सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम ही होगा। और क्रोमोसोम्स होते क्यों है सेल में, जैसा हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रॉपर सेल डिवीजन के प्रोसेस में जो डॉटर सेल्स हैं उनमें इक्वल जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, उसके लिए क्रोमोसोम्स का होना जरूरी है। तो हमारे पास वो कह रहा है डिफरेंट स्टेजेस, जो विभिन्न अवस्थाएं और प्रावस्थाएं हैं कोशिका विभाजन की, उसमें केंद्रक के स्थान पर कोशिकाएं गुणसूत्र रखती हैं। तो आप याद रखें, गुणसूत्र सदैव कोशिका विभाजन के समय अपीयर हो। ठीक है सर्वेश सर, नेक्स्ट स्टेटमेंट इसने लिखा है, क्रोमेटिन कंटेन डीएनए, डेफिनेटली द बेसिक प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आरएनए। इसमें बेसिक प्रोटीन की जो बात कर रहा है, ये कर रहा है हिस्टोन प्रोटीन जी, जो एग्जैक्टली कंपोजिशन बनाता है। बिल्कुल, तो जो क्रोमेटिन का जो कंपोजिशन है बिल्कुल क्लियर है, क्रोमेटिन कंपोज्ड ऑफ डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स। बट मेनली जो होते हैं सर, डीएनए और जो स्टोन प्रोटीन है वो मेन कंपोजिशन, मेन कंपोजिशन फॉर्म है, मेन कंपोनेंट है जो एग्जैक्टली क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे हैं। उसके बाद में आपसे ये कहा है, स्टेटमेंट ए और बी दोनों जो मेंशन किए हैं, स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट, बिल्कुल नहीं होगा, स्टेटमेंट ए भी करेक्ट है और स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, नहीं, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, बिल्कुल नहीं, और कह रहा है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है, जिसमें एक बेसिक थीम आपको दे रहा है कि सेल न्यूक्लियस होल्ड करती है और जब डिवीजन के टाइम सेल जाती है तो सेल न्यूक्लियस की जगह इंस्टीड ऑफ न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स की अपीयरेंस बता रहा हूं। सर, क्रोमेटिन क्रोमोसोम के जो क्वेश्चंस आएंगे उसे पूरा गो थ्रू करवाएंगे। हां, गो थ्रू करवाएं, मतलब मैंने जैसा अभी कहा था कि हम जो है वो यहां से इनिशिएट करते हुए, आपको बताया सर ने कि जो रिमेनिंग सेल ऑर्गेनल्स है न्यूक्लियस, उसकी बात हम करेंगे, तो न्यूक्लियस क्रोमोसोम से होते हुए हम सीधा डिवीजन पे फोकस करेंगे। तो एक चेन और एक चैनमेटिक प्रोसेस या सीक्वेंस जो है उस पर आप फोकस करें, आपको अच्छा सीखने को मिलेगा और हम भी और एनर्जी पुट करने का प्रयास इसमें करेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, सॉरी नेक्स्ट 92, चूज द मिसमैच पेयर, असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। देखिए माइक्रोबॉडीज दिया है, आप जानते हैं माइक्रोबॉडीज सेल ऑर्गेनल्स हैं, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां कह रहा है नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स, तो ये मेम्ब्रेन, लास्ट लेक्चर में आपने बताया इनका मेम्ब्रेनस होते हैं, तो यहीं ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाता है। सिर्फ नॉन मेम्ब्रेनस जो ये मेंशन किया हुआ है, इसी के कारण ये रिजेक्ट हो जाता है। एग्जांपल भी अपन ने बताए थे, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम, बिल्कुल हम सब डिस्कस कर चुके हैं, एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में इसको मेंशन किया है।
ये कई सारे बच्चों को जो है वो डाउट भी होता है, माइक्रोबॉडीज आप ध्यान रखें परफेक्टली सेल ऑर्गेनेल। अगर ये नॉन मेम्ब्रेनस ना रहता, यहां मेम्ब्रेनस होता तो बिल्कुल सही हो जाता, मेम्ब्रेनस वेसिकल प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, बिल्कुल परफेक्ट होता है। उसके बाद सर लिखा है सैटेलाइट, सैटेलाइट कह रहा है नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट कॉन्स्टेंट लोकेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, एनसीईआरटी ने मेंशन भी किया है, ये रिलेटेड है आपका जो सेट क्रोमोसोम्स है उससे रिलेटेड है जी। तो जो सेट क्रोमोसोम्स होते हैं, एक बार मैं रफ डायग्राम से आपको क्लियर कर देता हूं, देखो जो यूजुअली जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें देखो बेटा ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन दैट इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर जो है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को ही कहते हैं अपन, बिल्कुल। और क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की प्रेजेंस बिल्कुल नेसेसरी है, डिवीजन में बात करेंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट अगर नहीं हो तो क्रोमोसोम नहीं बनेगा, आप एग्जैक्टली कहेंगे सेंट्रोमियर। लेकिन कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं कंडीशनली जिनके पास प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा एक और कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ये वाला यहाँ, तो ये क्रोमोसोम तो एक ही है लेकिन यहाँ पर प्राइमरी के अलावा ये है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ओके सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। लेकिन सेंट्रोमियर तो अपन इसी को बोलेंगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, वो ये सेंट्रोमियर एक से ज्यादा नहीं होते, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद जो क्रोमोसोम का ये जो वाला, ये वाला जो पार्ट है इसी को बोलते हैं अपन सैटेलाइट, दैट इज सैटेलाइट एंड इट इज कॉल्ड सेट क्रोमोसोम, जिसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की प्रेजेंस है उसको सेट क्रोमोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी आगे न्यूक्लियोलस से अपन इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, पर आपका जो न्यूक्लियोलस है उसका ऑर्गेनाइजेशन एनओआर रीजन, और इसको अपन नॉर रीजन, नॉर रीजन न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, यही बताया इसने, ये नॉन स्टैंडिंग रीजन होता है, स्टैंडिंग लेता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट लोकेशन में मिलेगा, इसकी लोकेशन कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं होती है, चेंज नहीं होती है, लोकेशन कांस्टेंट होती है। जैसे सर इसकी लोकेशन तो कांस्टेंट नहीं होती है, ये वेरी करेगा, ये वेरी करेगा जैसे टाइप ऑफ क्रोमोसोम, जैसे मेटासेंट्रिक एग्लोसेंट्रिक, तो हम इस पे भी बात करेंगे। अगले ऑप्शन पे मैं आता हूं, फिर लिखा है सेंट्रोमियर, ये कह रहा है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, बिल्कुल परफेक्ट बात है, अभी हमने डिस्कस किया है दैट इज सेंट्रोमियर। फिर लिखा है लाइसोसोम ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच, ये हम सर पिछले लेक्चर से कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आपने कहा अप्रोक्सीमेट और नियर अबाउट द 5 पीएच जो है वो लाइसोसोम एक्टिविटी अपनी करता है, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कंटेन करने वाला वेसिकल अपने आप में है। तो हमारे पास सबसे पहला ही जो है माइक्रोबॉडीज का जो था वो मिसमैच्ड पेयर आ गया है, क्लियर। सो स्टूडेंट्स द आंसर विल बी द फर्स्ट, नेक्स्ट। और सर मैं एक बच्चों को एक बात भी कहना चाहूंगा कि अपन जैसे क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उसमें चारों ऑप्शन पे मेरे ख्याल से फोकस करना है, क्योंकि चार क्वेश्चन हो गए वो जी। हाँ, तो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको कहाँ कौन सी कनेक्टिविटी देखनी है, नहीं देखनी है, ये भी यहाँ से क्लियर होगा। उसके साथ एक चीज हम और जो कर रहे हैं वो ये है कि आपको क्वेश्चन अगर दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए, जैसे आपने कहा कि सर नॉन मेम्ब्रेनस के बजाय मेम्ब्रेनस लिखा होता तो बिल्कुल परफेक्ट ही होता, तो हम थोड़ा सा उस अप्रोच पे भी फोकस कर रहे हैं, ये बच्चों आपको स्पेसिफिकली डिटेक्ट करना है। When a chromosome had centromere slightly away from the middle of chromosome. देखो जैसा अभी हम कह रहे थे कि इसकी पोजीशन जो है वो वेरिएबल हो सकती है, तो सर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से अगर हम इसको देखें, इसमें देखो अगर क्रोमोजोम में सेंट्रोमियर की लोकेशन बिल्कुल मिडिल में है, मिडिल में जी, तो इसको अपन बोलते हैं मेटासेंट्रिक, ये आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है, दो नंबर बिल्कुल मिडिल में है, तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है ये क्रोमोसोम को दो इक्वल आर्म्स में डिवाइड किया गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन कह रहा है इफ द सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, इसमें चारों टाइप ही दे दिए क्रोमोसोम के, तो क्वेश्चन ही हो गया, तो मेटासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर मिडिल से थोड़ा सा अपन बोलते हैं लिटिल अवे फ्रॉम द मिडिल, स्लाइट अवे जैसा क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है, तो देखिए एक आर्म बड़ा हो जाएगा और दूसरा आर्म आप कह सकते हैं कंपैरेटिवली शॉर्ट होगा, शॉर्ट हो जाएगा, इसको अपन बोल देंगे सब मेटासेंट्रिक। ये हमारा क्वेश्चन है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है जिसमें सब मेटासेंट्रिक कहा गया है, सब दो और मेंशन कर दें। और इसके अलावा अगर सेंट्रोमियर की पोजिशन बिल्कुल आपके एंड के पास है, इसको अपन ऐसे डिजाइन कर सकते हैं, जो सेंट्रोमियर है वो मिडिल से बहुत दूर चला है, फार अवे फ्रॉम, लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात है कि आर्म जो है वन आर्म इज टू शॉर्ट हां दिखेगी जरूर दोनों, लेकिन एक जो है वो टू शॉर्ट होगी, दैट इज एक्रोसेंट्रिक जी। एंड इफ सेंट्रोमियर पोजीशन एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम, ये यहां पर अगर सेंट्रोमियर प्रेजेंट बिल्कुल, तो बिल्कुल इसको अपन बोलेंगे टीलोसेंट्रिक, तो यहाँ पर आर्म्स का कोई लोचा नहीं रहेगा, हाँ। क्योंकि आर्म्स जो है दो नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल कहाँ पे आ गया, ये सेंट्रोमियर लास्ट एंड पे एंड पे आ गया, बिल्कुल इसको अपन टीलोसेंट्रिक। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था अगर सेंट्रोमियर जो है दैट इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम तो ये कौन सा हो जाएगा, सब मेटासेंट्रिक, तो हमारा आंसर यहाँ हो गया थर्ड, सब मेटासेंट्रिक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए न्यूक्लियर पोर अलाउ, देखिए न्यूक्लियर पोर की यहां बात की गई है,
सर थोड़ा सा मैं इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है उस पर अगर आऊँ, सॉरी थोड़ा सा यहाँ क्या है कि एक बार बनाने के बाद उसको रेज करना थोड़ा सा। ये आप जानते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फॉर्म में एक्सटेंशन ले लेती है, जैसा हम पढ़ते आए हैं, बच्चों को सब पता है। तो ये बच्चों स्पेसिफिकली इनर मेम्ब्रेन जो है इसको आप इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकते हैं, और ये जो है वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो ER के फॉर्म में एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है वो न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स है, इसको न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स और NPC आप कहते हैं। ये NPC एग्जैक्टली साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच होने वाले ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। ऐसा नहीं है कि साइटोप्लाज्म से कोई भी सब्सटेंस न्यूक्लियोप्लाज्म में चला जाए और न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में जाए, तो रेगुलेटरी पॉइंट एक तरीके से आप कह सकते हैं NPC या न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स है। सर लास्ट टाइम भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो पिछले एपिसोड हम डिस्कस कर चुके हैं, ये NPC या न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स जो है वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट अलाउ करता है या बाईडायरेक्शनल करता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो कोई एग्जांपल सर, जैसे हम ले लें, मान लीजिए यहां जो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में राइबोसोमल वेसिकल्स या राइबोसोम्स के लिए वेसिकल्स बनी। अब ऑब्वियस है राइबोसोम्स जो है उनकी पैकेजिंग तो न्यूक्लियोलस में जो RRNA बना है उससे होनी है, तो डेफिनेटली उनको मूव करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ साइटोप्लाज्म आ गया जी, और जैसा कि जानते हैं कि प्रोटीन जो है वो हमेशा साइटोप्लाज्म में बनता है, राइबोसोम की प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनेगी, फिर वो एंटर होगी न्यूक्लियस में। बिल्कुल, न्यूक्लियस क्या करेगी, उसकी पैकेजिंग करेगी, उसका बायोसिंथेसिस करेगी, उसको आपका राइबोसोम में कन्वर्ट करेगी। तो एक तरीके से जो पैक्ड वेसिकल्स है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो साइटोप्लाज्म में वेसिकल्स बनी थी उन वेसिकल्स में RRNA इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। बिल्कुल, और RRNA जैसे ही उनमें इनकॉर्पोरेट किया गया, तो RRNA को इनकॉर्पोरेट किए जाने के बाद यहां से आप देख सकते हैं सर, ये वेसिकल्स क्या आप कह सकते हैं फिर से साइटोप्लाज्म में आएंगे, यहीं पर ये फंक्शन करेगा। हाँ, एक्टिव साइट यही, इसीलिए देखो राइबोसोम्स के लिए भी कहा जाता है ना, राइबोसोम्स का जो एक्टिवेशन है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयंस। तो देखो बच्चों ये दो बातें, सर ने कैरो लगाया, ये इधर एंटर हो रही है, इधर से एग्जिट हो रही है, तो इसका मतलब जो न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स है वो डेफिनेटली बाई डायरेक्शनल मोमेंट को डिटरमाइन करता है, रेगुलेट करता है, इसमें कोई कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए आपको। अब यहां हमारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं सर, ये कह रहा है प्रोटीन मूवमेंट ओनली, इनकरेक्ट रेफरेंस हो गया, RNA मूवमेंट ओनली नहीं होना चाहिए, फिर कह रहा है यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ DNA, तो देखो यूनिडायरेक्शनल आते ही आप बच्चों इसको रिजेक्ट कर सकते हो क्योंकि हमने ये क्लियर कर लिया है ये बायडायरेक्शनल, लेकिन DNA और दिया है सर, इस पर थोड़ा सा और बात कर ले कि देखिए मूवमेंट जो है साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म आपको RNA और प्रोटीन का ही मिलेगा, DNA का मूवमेंट आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा अब देखिए आपको दे रखा है RNA एंड प्रोटीन मूवमेंट, सो फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल ठीक है, तो आगे चले सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, देखिए ये जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन से लेकर हम जो है वो डिस्कस करते रहे हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां एब्सेंट होगी ये आपसे पूछा गया। एक आपको दे दिया पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम आप जानते हैं, फंजाई आप पढ़ते हैं, एगेरिकस फंजाई है, फंजाई हो गया, वॉलबॉक्स जो है वो आप जानते हैं बच्चों, ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसी में मेंशन कर रखा है, और नोस्टोक स्पेसिफिकली ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज साइनोबैक्टीरिया PGA, और ये प्रोकैरियोट, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। और जैसा कि अपन जानते हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म न्यूक्लियस नहीं होगा। हां, खूब हमने डिस्कस किया, जैसे बैक्टीरियल सेल या साइनोबैक्टीरिया की बात अगर आप करें तो अल्टीमेटली इनमें जो है वो न्यूक्लियर प्रोक्रोमोसोम, जीनोफोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इस तरीके के फॉर्म्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो एक तरीके से आपके पास ये पेनिसिलियम, वॉलबॉक्स और एगेरिकस जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स थी, और नोस्टोक आपको जो दिया गया प्रोकैरियोट है, ये डेफिनेटली आंसर सर हो जाएगा 4। बिल्कुल, यहाँ ये इंपॉर्टेंट आ गया कि एग्जांपल भी याद होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए एग्जांपल से। देखो एगेरिकस उसने डाइवर्सिटी से उठाया है, एगेरिकस और वॉलबॉक्स पेनिसिलियम सब वहां दे रखे, इनकी सब में डिटेल स्ट्रक्चर दे भी रखी। ठीक है, हां जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 96, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, आपको फॉल्स स्टेटमेंट यहां ढूंढना है। ये कह रहा है बोथ द सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डेफिनेटली परपेंडिकुलर पोजीशन में होते हैं। सेंट्रोसोम की स्ट्रक्चर की बात करें जी, उसमें दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, और दोनों जो सेंट्रियोल है वो इनकी पोजीशन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पोजीशन। जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये मेम्ब्रेनस नहीं होगा, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल के फॉर्म में कंसीडर किया जाएगा, एनिमल सेल्स में एस्ट्रल डिवीजन के लिए, एस्ट्रल सेल डिवीजन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर कह रहा है सेंट्रल प्रोटीनेशियस हब इज मिसिंग इन ए सेंट्रियोल,
देखिए यहाँ वर्ड लिखा है मिसिंग, जबकि सेंट्रल प्रोटीनिशियस हब होती है, हमें अगर उसका देखें तो ये नैनोमीटर 2.5 nm जो है वो डायमीटर में ये प्रेजेंट होगी, और इससे 9 रेडियल स्पोक्स जो है जो प्रोटीनिशियस स्पोक है वो अराइज होते हैं। टीएस से रिलेटेड बात कर रहा है, टीएस से रिलेटेड बात, सेंट्रियोल की अगर टीएस की बात करें तो सेंट्रियोल से उनकी टीएस, तो टीएस में देखो ये जो सेंटर में होता है आपका प्रोटीनिशियस हब, बिल्कुल, और जो पेरिफेरी है उस पर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है जो ट्रिपलेट पोजीशन में है। ट्रिपलेट क्या सर? इसीलिए एग्जैक्टली 9 3+, बिल्कुल, तो अरेंजमेंट जो है अपन वहां से लिखेंगे 9+0, तो 9 तो होगी पेरिफेरी पे और 0 क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है बट ये प्रोटीन है, प्रोटीनिशियस शीथ है सिर्फ। अब जैसे इसी तरीके से कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, हम लिखते हैं 9 2+2, तो देखिए यहां सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ये सीलिया फ्लैजेला के स्ट्रक्चर की बात है, जबकि यहां सेंटर में जैसा अभी सर बोल रहे थे माइक्रोट्यूब्यूल्स की प्रेजेंस नहीं है। हाँ, पेरिफेरी पर यहां भी 9 है, वहां भी 9 है, लेकिन ये डबलेज के फॉर्म में होती है और वो ट्रिपलेट के आपस में इंटरकनेक्टेड भी, बिल्कुल ट्रिपलेट के फॉर्म में होती है और आपस में इंटरकनेक्टेड, जो कर जाते रेडियल स्पोक्स हैं ये यहां से अराइज होंगे, 9 रेडियल स्पोक्स, 9 रेडियल स्पोक्स जो है वो एग्जैक्टली कनेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेंट्रल प्रोटीनेसिस हब जो है वो मिसिंग नहीं होता, इस मिसिंग के कारण ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। अगर ये मिसिंग वर्ड आपसे यहां से हटा दें, सेंट्रल प्रोटीनेसिस हब इज प्रेजेंट इन सेंट्रियोल, तो डेफिनेटली ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ईच सेंट्रियोल हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टव्हील, ये जैसा स्ट्रक्चर जो सर ने बनाया अभी, ये कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर है, कार्टव्हील स्ट्रक्चर ही है। इसके बाद दे रखा है आपको सेंट्रोसोम कंटेन टू सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल्स, बिल्कुल स्टूडेंट्स, पोजीशन परपेंडिकुलर है और शेप अगर आप देखें तो क्या है, सिलेंड्रिकल है, तो ऑब्वियस है इसका आंसर आपके पास हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट 9-7, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, सीक्वेंस हमें जो है वो यहां मैच करनी है, और इसमें स्टूडेंट्स देखिए दे रखा है बेसल बॉडी, सीलियम, फ्लैजिलम एंड सेंट्रियोल, ठीक है, सीलियम, फ्लैजिलम, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, तो ये अल्टीमेटली सीलिया फ्लैजिला फॉर्मेशन की बात है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है जी। तो सीलिया फ्लैजिला का जो फॉर्मेशन होता है, थोड़ा सा डायग्राम से अपन क्लियर कर देते हैं, ये सीलिया जो फ्लैजिला है ये मेम्ब्रेनस फिर ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट है, जैसा कि इसको यहाँ क्लियर कर देते हैं, इस तरह से सीलिया फ्लैजेला का ओरिजिन होगा, तो ये जो बेसल पार्ट है ये सेंट्रियोल ने बनाया है। एक बात हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, देखो यूकेरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन में तो आप कहते हैं सीलिया फ्लैजेला जो है वो प्रोटीनेशियस है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इट इज एन आउटग्रोथ एग्जैक्टली दैट इज एनक्लोज्ड, और आप ये कह सकते हैं हाँ कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप मेंशन करते हैं वहां, यहां जो कोर पार्ट है ये प्रोटीनियस पार्ट है, ये इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगा और ये है इसका एक्जोनिमा, बिल्कुल, यहां थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो सीलिया फ्लैजेला का जो बेसल पार्ट है, अभी आपने बताया ये बेसल बॉडी है, ये किससे बनी है, सेंट्रोसोम से, तो सेंट्रोसोम का जो मैनर है माइक्रोट्यूब्यूल का वो 9+0 है, और जो सीलिया फ्लैजेला का जो मेन कोर पार्ट है अभी हम बात करते हैं वो 9+2 हो जाएगा, ठीक बात है। तो जैसे यूकेरियोट और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला और सीलिया को फ्लैजेला को हम डिस्कस करें तब भी एक वेरिएशन हमारे पास आता है, देखिए यूकेरियोट्स में तो सर हम बात कर रहे हैं कि वो प्रोटीन है, वो जो है वो मेम्ब्रेनस सीथ से कवर है, इसका मतलब ओवरऑल जो है वो आउटग्रोथ है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में अगर आप देखें तो प्रोकैरियोट्स में ये जो है दैट विल अराइज फ्रॉम नॉट द एक्सटेंशन ऑफ दैट द एक्सटेंशन ऑफ एनसीईआरटी ने लिखा भी है दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द सेल वॉल, वो वहां से निकल के आया है, फ्रॉम सेल वॉल सॉरी, ऑफ कहते ही तो आपको एग्जैक्टली जो सेल वॉल कॉम्पोजिशन है उसका उसको बताना पड़ेगा। तो ये जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें आप देखिए सेल वॉल से वो अराइज होके आया है और वहां बेसल बॉडी हुक और आप फ्लैजेला 3 बेसिक स्ट्रक्चर उसकी पढ़ते हैं, जिसमें बेसल बॉडी में रिंग्स की प्रेजेंस है और वो एम्बेडेड होती है वॉल और मेम्ब्रेन, वहां स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां फ्लैजेलिन प्रोटीन है, फ्लैजेलिन प्रोटीन, और यहां पर आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन है, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स यहां प्रेजेंट, अपन कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, डिफरेंट बट फंक्शनली सिमिलर है, फंक्शन दोनों का एनसीईआरटी ने दिया भी है, वहां लिखा भी है। तो ये देखो बच्चों इस तरीके से हो गया, तो सीक्वेंस सर देन बेसल बॉडी एंड देन सीलिया, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, सीलियम, फ्लैजेलम, क्या थर्ड पे सीधा आ सकता हूं मैं, बिल्कुल थर्ड आंसर, जिसमें सबसे पहले सेंट्रियोल, उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स आपको दिया है बेसल बॉडी और उसके बाद में सीलियम एंड फ्लैजेलम, और ये फंक्शन भी हो गया सर सेंट्रोसोम का, फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेलम, बिल्कुल
ये बेसल बॉडी बना देता है, उसके बाद में बेसल बॉडी से आप ये कह सकते हैं वहां एक तरीके से आउटग्रोथ निकलती है, और वो जो आउटग्रोथ है वो मेम्ब्रेनस होती है। तो ये ध्यान रखें, प्रोकैरियोट यूकैरियोट का डिफरेंस भी आप ध्यान रखें। आगे कुछ और क्वेश्चन आएंगे, और बात इस पे करेंगे जी। नेक्स्ट 9-8, गो थ्रू द सेक्शन ऑफ द सीलिया ऑफ फ्लैजेला शोन। देखिए ये परफेक्ट डायग्राम ये हमारे पास आ गया, टीएस दे रखी है। तो इसमें ये जो टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन आपको दे रखा है जो हम डिस्कस अभी कर रहे थे, तो देखिए ये माइक्रोट्यूबुल सर आप मार्क करते रहे, टू ये हो गए, ये सेंट्रल जो है माइक्रोट्यूबुल से क्लियर में है। हाँ, तो इनका नंबर आप जानते हैं टू है माइक्रोट्यूबुल, और नंबर इनका टू है, टू है। इसके बाद आप देख सकते हैं सर ये जो है वो पेरिफेरल है, और पेरिफेरल अगर आप देखेंगे तो नंबर है माइक्रोट्यूबुल जो नंबर में 9 है, और ये मेंशन कर देते हैं डबल 8 है। हाँ, डबल 8 बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे देखो एक है ये डबल 8 के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अरेंजमेंट जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं ये हुआ 9 2 प्लस 2, क्लियर सीलिया फ्लैजेला के केस में। तो हमें जो लेबलिंग दे रही है सर, एक बार उस लेबलिंग को ही हम डिटेक्ट करें। सबसे पहले हम ए पे आए, ए पे जी, ए जो है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल जैसा आप हम कह रहे थे कि ये एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, तो ऑब्वियस है सबसे पहले ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बी सर वहां जो मेंशन किया है क्लियर है, ये जो आपके पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स हैं जो डबलेट में उनको लिंक कर रहा है, बिल्कुल। तो ये इंटर डबलेट ब्रिज हो जाएगा, इंटर डबलेट ब्रिज, जो दोनों आप ये कहेंगे जो 9 पेरिफेरल पोर्शन है डबलेट उनको कनेक्ट कर रहा है। तो ये मेंशन कर दें सर वहां इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक है, जिससे बच्चों को इजी रहे थोड़ा सा। सी आप देख रहे हैं, सी जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स है जिनका नंबर 2 है, और डी जो है वो आपको दे रखा है ये रेडियल स्पोक्स है, ये रेडियल स्पोक्स जो कनेक्ट करते हैं एग्जैक्टली, बिल्कुल रेडियल स्पोक्स। तो देखो हमारे हमें यहां जो दे रखा है ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें ठीक दिया है, बिल्कुल सर। फिर उसके बाद में इंटर डबलेट सही दिया है, सी अगर आप देखें सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स ये भी सही दिया है, एंड डी रेडियल स्पोक्स। हाँ, रेडियल स्पोक्स इसमें दे रखा है, डी सेंट्रल सी। तो इसके बजाय हमें अब ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी इंटर डबलेट ब्रिज, सी सेंट्रल हब दे दिया गया है, सेंट्रल हब कह सकते हैं उसके साथ सर सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल। हाँ, सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल अगर हम कहते हैं इसको, तो फिर ये है ना कि इस ऑप्शन में हमारे पास जो डी है वो इंटर डबलेट ब्रिज दे दिया गया है, इसलिए बेटर ऑप्शन हमारा जो है वो यही है, ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी इंटर डबलेट ब्रिज, सी सेंट्रल हब, एंड डी द रेडियल स्पोक्स। एक ही बात है, ये दोनों जो सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल है सेंट्रल हब बनाती है। तो परफेक्टली मैं आंसर टिक करूं, ये आंसर आपका हो गया थर्ड ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, डायग्राम एनसीईआरटी में आपको दे रखा है, सारा एक्सप्लेन कर दिया गया है, बहुत क्लीनली आप इसको ऑब्जर्व कर लें। नेक्स्ट 9 9 9 प्लस 2 माइक्रोट्यूबुल्स अरेंजमेंट इज कॉमनली प्रेजेंटेड। 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 का अरेंजमेंट की बात कर रहा था, सीलिया फ्लैजेला अभी आप डिस्कस कर रहे थे, क्या देखिए बेसल बॉडी में ये होगा नहीं होगा, बेसल बॉडी में नहीं होगा कि सेंट्रोसोम से बनी है, सेंट्रोसोम से बनी है। तो देखिए बेसल बॉडी के लिए तो आप कह रहे थे ये, क्लियर, इसके बाद आप कह रहे हैं इधर सीलिया, बिल्कुल उधर सेंट्रियोल में भी 9+0 0, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सीधा आंसर आपके पास आ गया सीलिया, जिसमें आप कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट है, और इसमें भी अभी अभी आपने डिस्कस किया है डबलेट 9 जो है वो पेरिफेरल है, और 2 सिंगलेट सेंटर में है जो माइक्रोट्यूबुल्स फॉर्म। और ये जनरली सर क्वेश्चन पूछते रहते हैं, थोड़ा सा डेटा है तो एक बार अपन उनके एग्जांपल लिख ही देते हैं ताकि बार बार जो है, बिल्कुल। जैसे अगर वो बात करें सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल की बात करिए, या फिर बेसल बॉडी, हाँ डिस्कस अगर करें जो बेसल बॉडी है उसको डिस्कस करें, तो आपको सीधा आंसर देना है 9+0, बिल्कुल 9+0। अगर वो मेंशन करता है सीलिया या फिर फ्लैजेला, सीलिया एंड फ्लैजेला, तो आपको आंसर देना है 9+2, और ये भी डबलेट हो जाएगा। जनरली इस तरह के क्वेश्चन पूछता रहता है, हाँ, बस यही कोई बहुत चेंज नहीं करेगा, बेसल बॉडी पूछेगा, या तो जैसे आपको सेंट्रोसोम लिख के दे दिया या बेसल बॉडी लिख के दिया, तो सर ने जैसा कहा 9 3+0 आपको शो करना है, सीलिया फ्लैजेला दिया तो 9 2+2 शो करना है, ठीक है, ये क्लियर है। प्रोकैरियोट का मैं फिर कह रहा हूं, प्रोकैरियोट के लिए कोई अरेंजमेंट आपको नहीं मिलेगा, क्लियर। नेक्स्ट साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, तो देखिए यहां साइटोस्केलेटन पूछ रहा है कोशिकीय कंकाल बना होता है, सबसे पहला कह रहा है कैल्सियम कार्बोनेट ग्रेन्यूल्स का, फिर कह रहा है कैलोज डिपॉजिट्स का, सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स का, और प्रोटीनेसियस फिलामेंट्स का। तो इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सर सबसे पहले कैल्सियम कार्बोनेट ग्रेन्यूल्स लिखा है, बिल्कुल, और ये बिल्कुल सिंपल है, साइटोस्केलेटन जो है मैं बताना चाहूंगा कि ये यूकैरियोट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होगा, मेड अप ऑफ द प्रोटीनेसियस फिलामेंट्स जो नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं,
और बिल्कुल ये एनसीईआरटी में क्लियर कर रखा है उनके जो फंक्शंस हैं, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, सेफ को जो है मेंटेन करते हैं, इसके अलावा मोटर इंट्रासेलुलर मूवमेंट, काफी सारे फंक्शंस हैं जी, लेकिन एनसीईआरटी में काफी कम कंटेंट दिया है। क्वेश्चन भी वहां से डिजाइन करता है, कई बार वो आउट अप्रोच पे चला जाता है, जो अपन डिस्कस भी करेंगे, एक दो क्वेश्चन आएंगे बीच में, तो यहाँ पर सीधा चला जाएगा आपका प्रोटीनिशियस फिलामेंट से बना हुआ। और इसमें अगर हम कहें तो आपको देखो माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट, थोड़ा बता भी देते हैं। हाँ। जो साइटोस्केलेटन है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, थ्री मेन पार्ट्स का माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, एंड शॉर्ट एमटी लिख देता हूं मैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स इधर, माइक्रो फिलामेंट्स, माइक्रो फिलामेंट्स आल्सो कॉल्ड एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स एमएफ, एंड इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट आईएमएफ, इस तरीके से, हाँ, इस तरीके से याद आप रख सकते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। थोड़ा सा जो बताई दिया तो यहाँ डायमीटर से क्वेश्चन आया होगा, थोड़ा सा डायमीटर को मेंशन कर दे, तो डायरेक्टली जो है वो डेटा याद रखना है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनका डायमीटर 25 नैनोमीटर, ये डाटा एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन को जी याद रखना है। और जो माइक्रोफिलामेंट है उनका डायमीटर जो है वो आपका 8 About approx 8 nanometer भी कई बार लिखा होता है, 8 nanometer, और जो intermediate filament है उनका होता है 10 nanometer। हाँ, तो आप ध्यान रखें जो microfilament है वो thin है, इनमें सबसे thin है, और नाम से हो जाएगा intermediate हो गई है। हाँ, तो इनका जो diameter है वो microtubule से तो हो गया कम, और जो से हुआ ज्यादा। हाँ, intermediate है मतलब दोनों के बीच का है, इसका ज्यादा है इसका कम है, इन बिटवीन वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स बेसिक रेफरेंसेज हैं जो इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऑब्वियस है प्रोटीनेसियस फिलामेंट्स ये होंगे। सेलुलोजिक माइक्रोफाइबर्स की अगर बात करें तो प्लांट सेल की सेल वॉल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसमें प्रेजेंट होगा। कैलोस डिपॉजिट्स आप जानते हैं, कैलोस डिपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंस है प्लांट्स में, एम्ब्रियोलॉजी में सर हम काफी पढ़ते हैं, जो सेल है पोलन ट्यूब का ग्रोथ होता है अल्टीमेटली कैलोस डिपोजिशन के थ्रू ही जो है वो अपना सेपरेट करती है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस की एक्टिविटी तक कैलोस डिपोजिशन आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा, जब डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ये बहुत सारे क्रिस्टल फॉर्म्स जो है वो प्लांट्स में डिपोजिट होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्सैलेट सेल वॉल है, वहां पर भी आपको कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस आपको मिल जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सेंट्रोसोम इज नॉट प्रेजेंट इन, देखिए सेंट्रोसोम की बात कर रहा है, सेंट्रोसोम किस में प्रेजेंट नहीं है, सेल्स ऑफ द हायर प्लांट्स डेफिनेटली नहीं होगा, आपने कहा था प्लांट्स में नहीं है, एनिमल्स में प्रेजेंट है, सेल्स ऑफ लोअर प्लांट इनमें प्रेजेंट होगा। देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखने की बात है, जैसे एल्गल फॉर्म्स जो है, इन एल्गल फॉर्म्स में लोअर प्लांट्स में एग्जैक्टली सेंट्रियोल्स की प्रेजेंस होती है, सेल्स ऑफ द हायर एनिमल्स डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, और फिर लिखा है सेल्स ऑफ द लोअर एनिमल्स, तो देखिए एनिमल्स में तो थ्रू आउट ये प्रेजेंट हो गया, एनिमल्स, हाँ, एनिमल्स का तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, तो सर थ्रू आउट प्रेजेंट होता है, और प्लांट्स में अगर हम देखें तो लोअर प्लांट्स में जो है वो इसकी प्रेजेंस होती है, हायर प्लांट्स में अल्टीमेटली बिल्कुल एब्सेंस होती है, जनरली अपन बोल देते हैं प्लांट्स में एब्सेंट है, लेकिन एक्सेप्शन लोअर जो प्लांट्स है उसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो हमारे पास फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा, सेंट्रोसोम्स उच्च पादपों की कोशिकाओं में मौजूद नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीलिया इज नॉट करेक्ट, सीलिया के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो देखिए वन बाय वन में पढ़ रहा हूं सर, द ऑर्गेनाइज्ड बीटिंग ऑफ सीलिया इज कंट्रोल्ड बाय द फ्लक्सेस ऑफ कैल्शियम आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उधर मेंशन कर रहे हैं ये कैल्शियम अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एग्जैक्टली ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ कैल्शियम का उन्होंने अक्रॉस द मेम्ब्रेन बोला है, अदरवाइज यहाँ पर इनफ्लक्स वगैरह होता है, जूलॉजी में वो एक्सप्लेन भी करते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट हो गया। वैसे भी सर एक चीज बहुत क्लियर कही गई है, बीटिंग इज कंट्रोल्ड बाय द फ्लक्स, फ्लक्सेज, अब फ्लक्सेज जो वर्ड लिखा है इसमें इनफ्लक्स आउटफ्लक्स दोनों काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो स्पेसिफाई नहीं किया गया हमें, इसलिए आप स्टेटमेंट को गलत कह सकते हैं। फिर कह रहे हैं सीलिया आर हेयर लाइक सेलुलर अपेंडिज, ठीक बात, अभी बात की थी अपन ने, हाँ, हेयर लाइक अपेंडिज होगा। माइक्रोट्यूबुल्स ऑफ सीलिया आर कंपोज्ड ऑफ द ट्यूबुलिन, बिल्कुल परफेक्ट है, देखिए ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी हुई होती है, आपने अभी डिस्कस किया था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को कंपेयर करते हुए कि यहाँ ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, जबकि वहां जो फ्लैजिला है उसमें एग्जैक्टली फ्लैजिलिन प्रोटीन, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ स्पेस से बताना चाहेंगे अपन कि जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है जी वो असेंबल होकर माइक्रोट्यूबुल बनाती है, इसमें 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं, जैसे अपने डायमीटर की भी बात की थी, 13 प्रोटोफिलामेंट, और ये मिलकर क्या करते हैं ये माइक्रोट्यूबुल बनाते हैं, इसका जो डायमीटर है वो अभी बताया था ये 25 नैनोमीटर, और फर्दर ये जो माइक्रोट्यूबुल बनी है फर्दर इसकी स्पेसिफिक असेंबली होगी, फिर वो चाहे स्पिंडल फाइबर बनाए सीलिया फ्लैजिला अलग अलग जो भी फॉर्म्स है, जैसे डिवीजन सेल को करना है तो वो डेफिनेटली स्पिंडल फाइबर्स की असेंबली को बनाएगा, तो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल जो है वो एग्जैक्टली ट्यूबुलिन से माइक्रोट्यूबुल बनेगा, फर्दर फिर अकॉर्डिंग टू
रिक्वायरमेंट जो है उनका फॉर्मेशन होगा जी। ठीक है, आगे चले सर। फिर कह रहे हैं माइक्रोट्यूबुल्स ऑफ सीलिया, ये हो गया ट्यूबुलिन, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट रेफरेंस है। फर्स्ट जो है वो आपके पास इनकरेक्ट रेफरेंस था। सीलिया कंटेन एन आउटर रिंग ऑफ 9 डबलेट माइक्रोट्यूबुल्स सराउंडेड बाय 2 सिंगल माइक्रोट्यूबुल्स, ये बिल्कुल ठीक है। 2 सिंगलेट इन सेंटर एंड 9 डबलेट इन पेरिफेरल पोजीशन, 9+2 की बात की है, 9+2 तो ये एग्जैक्टली हमारे पास सही स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आपको पूछा है विच वन इज नॉट करेक्ट, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया इसका, फर्स्ट आंसर पे हम जा सकते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनल इम्पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन। देखो जैसे अभी मैं बात कर रहा था न्यूक्लियर डिवीजन में स्पिंडल फाइबर्स, जो माइटोटिक स्पिंडल फाइबर असेंबली है एग्जैक्टली उसको ये डिस्कस कर रहा है। कौन बनाता है उसके लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है ये कह रहे थे। देखिए गोल्जी बॉडी सेक्रेटरी सेल ऑर्गेनल है, ये ठीक बात है, लेकिन एग्जैक्टली ये माइक्रोट्यूबुल्स केस की असेंबली की बात की जा रही है। क्लोरोप्लास्ट का कोई रोल नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल नहीं है, स्टूडेंट्स दोनों आप कह सकते हैं। अब आपके पास सेंट्रोसोमिक ऑप्शन बचा है। इंटरफेज में उसका डुप्लीकेशन हो जाता है, 2 सेंट्रोसोम जो है वो बन जाते हैं। तो अपन डायरेक्ट जो है इंपॉर्टेंट है सर, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेंट्रियोल्स डुप्लीकेशन जो है वो एस फेज में होता है, ये आपको परफेक्टली पता होगा। जैसे ही सेल जो है डिवीजन फेज में जाती है तो जो सेंट्रोसोम्स हैं वो पोल्स पे पहुंच जाते हैं, बिल्कुल अपोजिट पोल पे जाके वहां स्टेबल हो जाते हैं, और ये जो सेंट्रोसोम है फिर ये बनाएंगे एस्टर। दीज आर द एस्टर, इसीलिए इसको एस्टर भी बोला है क्योंकि एस्टर लाइक ही दिख रहे हैं। देखो इवन माइक्रोट्यूबुल्स विल रेडिएट आउट ठीक है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेंट्रियोल्स, तो इस सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूबुल्स रेडिएट आउट होंगी, तब देखो ये फिर इस तरीके से असेंबली जो है उस असेंबली को बनाएगी। क्रोमोसोम्स अरेंज होंगे, जैसे मान लो ये मेटाफेज हम कहें तो आप ये कह सकते हैं इस मेटाफेज में ये परफेक्टली क्रोमोसोम्स को इस तरीके से कनेक्ट करता है, तो जो असेंबली है वो ये इनिशिएट करवा देगा इसे, बिल्कुल। तो ये माइटोटिक स्पिंडल फाइबर असेंबली जो है वो सेंट्रोसोम इनिशिएट करवा देता है। तो आपसे पूछा है कि महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है तर्कु के निर्माण में, तो आपका आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा सेंट्रोसोम। यही रीजन है कि यहाँ पर बोल देते हैं एनिमल सेल में कि ये आपका एम्फीएस्टर हो गया। एम्फीएस्टर स्पिंडल एपरेटस, बट इन प्लांट सेल सेंट्रोसोम अब्सेंट, तो वहां प्लांट सेल के केस की बात करें तो वहां पर सेंट्रोसोम नहीं होते, बिल्कुल, तो वहां पर स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो ये कनेक्ट करती है असेंबली, तो वहां पर बोल देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें यार। सर ने बहुत अच्छी बात इसमें पुट की है, एग्जैक्टली एस्ट्रल डिवीजन और अनएस्ट्रल डिवीजन भी हम कह सकते हैं। एम्फीएस्ट्रल कंडीशन कहा बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस, तो यहाँ माइक्रोट्यूबुल्स जो है वो एग्जैक्टली माइटोटिक स्पिंडल फाइबर असेंबली बनाती हैं, ये इस तरीके से रेडिएट आउट होंगी और कनेक्ट कर लेंगी, वहां जैसा है तो दोनों पोल्स पर स्पेसिफिक प्रोटीन की प्रेजेंस होती है सर, और इस तरीके से ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, जो स्पिंडल एपरेटस है वो दोनों में प्रेजेंट है, बिल्कुल यहाँ पर है एम्फीएस्ट्रल और यहाँ पर है एनेस्ट्रल, ये ध्यान रखें एम्फीएस्ट्रल एंड एनेस्ट्रल इन एनिमल्स एंड प्लांट्स रेस्पेक्टिवली, क्लियर। नेक्स्ट करें सर, द अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोट्यूबुल्स ऑफ फ्लैजिलम एफ एंड द बेसल बॉडी बी इन यूकैरियोट्स। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको एक तरीके से थोड़ा सा जो है ना आपके रीजनिंग पावर को फिर चेक करना चाह रहा है। वो कह रहा है कि जो फ्लैजिलम है बाहर की तरफ जो फिलामेंटस या हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है उसका तो अरेंजमेंट क्या होगा और जो बेसल बॉडी है उसका अरेंजमेंट, जस्ट अपना एग्जांपल मेंशन भी कर दिए थे। तो देखिए एफ दे रखा है आपको 9+2, डेफिनेटली जो फ्लैजिलम है उसका ये ही होता है 9+2, लेकिन दूसरा आपको जो देखना है वो है बेसल बॉडी 9+0। ये सर ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन आपके पास परफेक्ट है, करेक्ट हो गया। ठीक है, आपने पढ़ रखा है 9 डबलेट एट पेरिफेरी, 2 सिंगलेट इन सेंटर, 9 ट्रिपलेट एट पेरिफेरी, और सेंट्रल में सिर्फ प्रोटीनिसियस हब होता है। तो अगर सर यहाँ पर ये डबलेट ट्रिपलेट मेंशन नहीं कर रहा है तो अपन इसको करेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन अगर उसने गलती से यहाँ 9+2 दे रखा और यहाँ 3 दोनों बातें जो है इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ सेल ऑर्गेनल्स जो है वो डी नोवो ओरिजिन के होते हैं,
देखिए हमें एक बात ये क्लियर होनी चाहिए सर, जब सेल डिवीजन में जाती है तो डिवीजन के टाइम सेल जो है वो अपने सेल ऑर्गेनल्स को डुप्लीकेट कर लिए, दैट डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स इज कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल ऑर्गेनल और दैट फॉर्मड न्यूली, मतलब ये काम की बात है कि वो नए सिरे से बन रहा है या फिर वहां जो प्रेजेंट है उसी से बन रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास है, आप कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल का है, दिस माइटोकॉन्ड्रिया विल डुप्लीकेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन प्रोसेस से माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा, तो ये जो प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया थे उसी से बना है। तो इस केस में प्लास्टिड भी, जैसा कि अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, प्लास्टिड में भी ये फ्यूजन होता है, ये भी डुप्लीकेशन में जाते हैं। हाँ, तो इस केस में ये जो है ये क्या होंगे, डी नोवो ओरिजिन के होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखें। डी नोवो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है न्यूली फॉर्मेशन, न्यूली सिंथेसाइज, मतलब नए सिरे से बना है। आप एक बात ध्यान रखें, डी नोवो फ्रॉम द इनिशिएशन, डी नोवो का सीधा मतलब है प्रारंभ से प्रारंभ होता हो, प्रारंभन जिसका होता हो, मतलब इनिशिएट हो रहा हो, पहले से एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से अगर बन रहा है तो डी नोवो ओरिजिन नहीं कहेंगे। जैसे देखो सेकंड जो दे रखा है आपको, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल को मैं हटा दूं, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ऑर्गेनल, तो डेफिनेटली ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एग्जांपल हमने डिस्कस किया, तो सेंट्रियोल्स जो है वो कैसे अराइज होते हैं, अभी आपने बात की थी, सेंट्रियोल्स जो है वो एस फेज जो इंटरफेज का है उसमें डुप्लीकेशन होता है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा सर, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल्स, ठीक है। और एक एनसीईआरटी में स्टेटमेंट भी दिया है सर, जो लास्ट में क्वेश्चन है कि जो सेल है उसका डीनोवो फॉर्मेशन नहीं होता, सेल का डीनोवो, क्योंकि सेल भी प्री एग्जिस्टिंग सेल है, मॉडर्न सेल थ्योरी ने क्लियर ही किया था, रुडोल्फ विर्चुए उन्होंने यही एक इंपॉर्टेंट बात की, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, क्योंकि इससे पहले सेल थ्योरी में तो ये क्लियर नहीं था। ये अच्छी बात थी कि सेल था, स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट था, सारी बातें क्लियर थी, ये बिल्कुल क्लियर नहीं था कि बनेगी कैसे, तो वो मॉडर्न सेल थ्योरी में क्लियर हुई, और मॉडर्न सेल थ्योरी में क्लियर हुई कि पहले वाले से ही बन रही है तो डी नोवो कभी नहीं हो सकती। हाँ, तो एक अच्छी चीज आपने यहाँ पुट की, इसका फायदा आपको ये कि बच्चों किसी भी सेल ऑर्गेनल के बारे में अगर डाउट होना तो सीधा सेल के बारे में सोच लें, इस सेल खुद डी नोवो नहीं होती है, तो ऑब्वियस है नहीं होगी, इसका मतलब पुराने वाले से बन के आइए, तो इस तरीके से आपका कंसेप्ट जो है वो एक तरीके से परफेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, और बच्चों का ये कहना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि कॉन्सेप्ट जो है वो सोचने पड़ेंगे, हाँ, तभी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिल्कुल, थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको डिस्कस करना, कि आप भी जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं खुद अपने से डिस्कस करो, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रेंड से डिस्कस करो, तो कॉन्सेप्ट जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हम लोग करते हैं जनरली, देखो क्या होता है, मैं सर्वे सर लंबे टाइम से साथ हैं, और हम लोग क्या करते हैं, जैसे भी कोई नई चीज हमें पता लगती है स्टूडेंट्स में, एक बहुत बड़ी बात आपको पूरे दावे से कह सकता हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, कई साल से हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, लेकिन हर बार पढ़ते पढ़ाते टाइम आपको नई कनेक्टिविटी मिलती है, एनसीईआरटी कभी पुरानी नहीं हो सकती। बिल्कुल, जैसे मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोग जब भी बैठते हैं तो हमेशा कोई नया कॉन्सेप्ट जो उसको डिस्कस करते हैं, जैसे स्टाफ रूम में बैठे होते हैं सारे लोग, तो जैसे एमएम सर जो है जनरली बुक्स पढ़ते हैं, इनको शौक भी है बुक्स पढ़ने का, तो ये रेफरेंस बुक पढ़ते रहते हैं, इनको कोई नया कॉन्सेप्ट, जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल बात करो, कोई नया कॉन्सेप्ट मिलता है तो ये डिस्कस करते हैं, कोशिश हमारी सभी स्टाफ में बैठे रहते हैं, मैं महेंद्र सर, बाबूलाल जी, मिश्रा जी, ललित सर, चौहान सर, तो नए नए जो कॉन्सेप्ट हैं सभी लोग जो नए नए कॉन्सेप्ट रखते हैं कि भाई ये कॉन्सेप्ट नया है, क्या इनको बच्चों को कैसे डिलीवर किया जाए, तो ये अच्छी बात होती है, जैसे हम लोग करते हैं वो भी आपके लिए करते हैं ताकि चीजें और स्ट्रॉन्ग हो, डिलीवरी मेथड भी स्ट्रॉन्ग। देखिए सीखने का न कोई उम्र होती है सीखने की, न कोई लिमिटेशंस होती हैं, आप जब तक हैं तब तक आप सीखते रहें, और एक अच्छा लर्नर अगर आप हमेशा बने रहते हैं तो डेफिनेटली आप प्रोग्रेसिव होंगे, ये बिल्कुल सटीक और सही बात है। और वो कहते हैं ना कि आपके पास जो नॉलेज है जितना उसको बांटोगे उतना बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगा। तो सर ऐसा है कि हम लगातार सीखते रहें, सिखाते रहें बच्चों को, इससे बड़ा सेटिस्फेक्शन हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। एज ए टीचर मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं एक टीचर से पहले बॉटनी का स्टूडेंट हूं, एक गुड लर्नर हूं, और हमेशा से मुझे लगता है कि मुझे ये बने रहना चाहिए, तब ये सही रह पाएगा। ये सोच सभी की होनी चाहिए, बिल्कुल, वी ऑल शुड बी द गुड लर्नर, ठीक है। अगला करें तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हमारे पास 156 पे मैं आ रहा हूं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्रोमोजोम गिवन बिलो। देखिए क्रोमोजोम में यहाँ थोड़ा सा आपको जो है एक क्वेश्चन जो दिया है उसमें न्यूमेरिकल अप्रोच डाल दी गई है, आपको काउंट करना, और ये तभी जब आपको स्ट्रक्चर परफेक्ट रहेगा। तो इसमें देखो कह रहा है नंबर ऑफ द क्रोमेटिड्स, बिल्कुल यहाँ स्ट्रक्चर देखो मेंशन भी किया, सबसे पहले स्ट्रक्चर जो हमने बना रखे सर आप क्रोमेटिड नंबर उसमें मेंशन कर दें, फिर इसको लेबल ही कर देते हैं अपन जी। तो ये जो क्रोमोजोम है जैसा इन्होंने मेंशन किया है, ये सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ये मेटाफेजिक क्रोमोजोम है, जिसमें मेटाफेजिक कंसिस्ट टू क्रोमेटिड्स, हां ये मेटाफेजिक क्रोमोजोम है बच्चों, सिंपल डायग्राम से जी। फिर इसमें दो क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड ये है और दूसरा क्रोमेटिड ये, और दोनों क्रोमेटिड जो है वो आपस में सेंट्रोमियर से कनेक्टेड है। तो सर इनको हम क्या सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं जी, बिल्कुल सिस्टर, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स
प्रेजेंट हैं, ठीक है। देन ये जो सेंट्रोमियर है इसके दोनों तरफ देखो, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है डायग्राम में, ये वाला जो पोर्शन दिखाया है और ये वाला पोर्शन, दीज आर द काइनेटोकोर्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो माइक्रोट्यूबुल्स की असेंबली होती है वो माइक्रोट्यूबुल्स जो है वो काइनेटोकोर के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं। तो अगर बच्चों हम देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा ये प्रोटीनेशियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज द काइनेटोकोर, और इस काइनेटोकोर से ही जो है वो स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल्स जो स्पिंडल फाइबर्स है वो कनेक्ट कर रहे हैं। जी सर, फिर इसके बाद आर्म्स की बात करें तो ये आर्म्स हैं जी, इनको अपन आर्म्स आर्म कर सकते करें, ठीक है। तो देखो अब हम इसमें से देखो बच्चों देख लेते हैं नंबर ऑफ द क्रोमेटिड्स, हाउ मेनी क्रोमेटिड्स आर देयर। तो क्रोमेटिड्स अगर आप देखेंगे टू सिस्टर क्रोमेटिड्स हमने अभी कहा था, तो टू वाले ऑप्शन सब में टू दे रखा है, तो इसका मतलब फर्स्ट को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शन हैं। फिर उसके बाद आपको कह रखा है नंबर ऑफ आर्म्स, आर्म्स पे आप जाएं तो सर आर्म्स हैं, फोर आर्म्स हैं, आर्म नंबर ऑफ आर्म्स की बात करें फोर, तो देखिए इस पे हम जा सकते हैं, ये ठीक था। उसके बाद नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, देखिए स्टूडेंट्स ऑलवेज ऑलवेज वन ओनली, टू प्रोटीनेसिस डिस्क आर देयर जिनको काइनेटोकोर कहा जा रहा है, लेकिन सेंट्रोमियर एक ही होगा। और माइटोसिस में बच्चे पढ़ते हैं सर खूब आराम से, वो जो सेंट्रोमियर है उसकी स्प्लिटिंग होती है, वो स्प्लिटिंग डिवीजन को इनिशिएट कर रही है। तो वन ये भी अभी तक परफेक्ट है हमारे पास। फिर उसके बाद देख लेते हैं नंबर ऑफ काइनेटोकोर्स, टू काइनेटोकोर्स आर देयर, ये लीजिए। फिर उसके बाद नंबर ऑफ टीलोमियर, ये टीलोमर एंड्स हैं, लास्ट एंड। तो जितनी आर्म्स हैं उन आर्म्स के एंड जो होंगे वो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स टीलोमियर पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सर ये फोर पे राउंड कर दें, ये वाला दिस वन, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स परफेक्ट आंसर हो गया थर्ड, जिसमें क्रोमोसोम की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात। और जैसा कि आपने बताया कि सेंट्रोमियर का नंबर एक ही होता है, तो ये एक हिंट भी है कि एक सेंट्रोमियर है एक क्रोमोसोम है, बिल्कुल। और जैसा कि यहाँ बताइए डायड, ये जो फॉर्म बता रखी है ये है डायड, डायड का मीनिंग है क्या, इसमें दो क्रोमेटिड है इसलिए डायड बोलते हैं, और ये जो फॉर्म है इसको अपन बोल देते हैं मोनाड, दैट इज मोनाड फॉर्म, दैट इज डायड फॉर्म। देखिए जनरली ये माना जाता है, हालांकि क्रोमोसोम्स की जो सर अपीयरेंस है उनको आप देख सकते हैं, विजिबिलिटी तो जो वो लेट प्रोफेज तक जाते जाते होती है, तो ये जो क्रोमोसोम आप देख रहे हैं वो लेट प्रोफेज में दिखेगा आपको, एंड यू कैन क्लियर ऑब्जर्व इट एट द मेटाफेज। तो ये इससे पहले डुप्लीकेट हो गया है ना, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस इसमें हुआ है, तो ऑब्वियसली हम ये मान सकते हैं वन क्रोमोसोम वन क्रोमेटिड, ठीक है, एक क्रोमेटिड रहा होगा और उसी का डुप्लीकेशन हुआ है या उसकी कॉपी हुई है, तभी तो ऐसा ये हुआ होगा। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं मोनाड डायड। अब इसके बाद मियोसिस में जब हम जाते हैं तो वहां मियोसिस में हम ये पढ़ लेते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो है वो पेयर बन जाता है, तो पेयर बनते ही अब स्टूडेंट्स आप इसको कह सकते हैं ये टेट्राड। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताया, ये दो ये डायड डायड इसको अपन बोलेंगे टेट्राड, टेट्राड, एंड दैट कंडीशन इज बच्चों डिवीजन क्या है, द सेल डिवीजन इज एग्जैक्टली द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम अपने रंग रूप कैसे बदलता है, क्रोमोसोम अपनी पोजीशन लोकेशन कैसे चेंज करता है, उसी को तो एग्जैक्टली डिवीजन में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि डॉटर सेल्स में जेनेटिक मटेरियल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकेला जो कंपोनेंट बन सकता था सेल में वो क्रोमोसोम है, इसके बिना नहीं बांटा जा सकता था। जैसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन में सर क्या होता है, हम कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इंस्टेंट डिवीजन है, तो वो इसीलिए ना क्योंकि वहां का जेनेटिक मटीरियल क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं आ पाता, क्लियर। तो कंटिन्यू करें, बिल्कुल। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 107, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर द स्पिरोसोम्स। तो सर देखो स्पिरोसोम्स लिखा है माइक्रोबॉडीज, काफी डिस्कस हम कर चुके हैं, माइक्रोबॉडीज आप जानते हैं मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल काउंट होते हैं, ये कह रहा है कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड डेफिनेटली होगा, फिर कह रहा है पार्टिसिपेट इन स्टोरेज ऑफ द लिपिड एंड ऑयल, डेफिनेटली ये भी सही बात है, ये स्टोरेज करता है, इट इज एब्सेंट इन प्लांट्स बट प्रेजेंट इन एनिमल्स। तो देखिए जबकि प्लांट्स और एनिमल्स आप कह सकते हैं प्लांट्स में प्रेजेंट है, एनिमल्स में एब्सेंट होता है, हाँ तो उल्टा लिखा है इसको, एब्सेंट इन प्लांट्स बट प्रेजेंट इन एनिमल्स, अगर ये वाइस वर्सा होता तो डेफिनेटली स्टेटमेंट सही हो जाता, तो ये इनकरेक्ट हो गया। फिर लिखा है अकर अबंडेंटली इन द एंडोस्पर्म ऑफ द ऑयल सीड्स, डेफिनेटली जो ऑयल सीड्स हैं जैसे कैस्टर एक परफेक्ट एग्जांपल आप कह सकते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ते हैं जो कैस्टर सीड है उनमें परफेक्टली अबंडेंटली आपको ये मिलेगा। तो आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया थर्ड। नेक्स्ट 108, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द साइटस कल्चर, जैसे सर अभी बात कर रहे थे कंपोनेंट हमने डिस्कस कर लिए, तो साइटोस्केल्टन के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, एमएफ, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आईएमएफ एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स एमटी। तो ये
तीनों कॉम्पोनेंट इसमें लिखे हैं, डेफिनेटली सही बात है। दीज हेल्प इन द मैकेनिकल सपोर्ट मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल से, बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट लिखे हैं। एक तरीके से आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट जो साइटोस्केलेटन बनाते हैं उसके फंक्शन के लिए एक लाइन पढ़नी थी, वो ये मिल गई आपको। एग्जैक्टली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है सरफेस जो स्ट्रक्चर और एरिया है सेल का, उसके अलावा मोटिलिटी और सेल शेप मेंटेन कर रहा है। दिस हेल्प इन द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द स्यूडोपोडिया एंड स्पिंडल फाइबर्स। तो देखिए सर, इस स्यूडोपोडिया के बारे में क्या कहना है? स्टूडेंट हमारे पास ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन का फंक्शनिंग रेफरेंस एक तरीके से इस क्वेश्चन में आपको मिल गया है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, पढ़ना होता है हमें। सीलिया वर्क्स लाइक ऑल, बिल्कुल चप्पू की भांति कार्य करता है सीलिया जो है वो, ये कहा गया। सीलिया की अगर थोड़ा सा बता दें, सीलिया की बात करें तो सीलिया इस तरह से अरेंज होते हैं। तो जब ये मूव करता है सीलिया जस्ट लाइक द ओर, जो आपका चप्पू होता है, तो जैसे ये ओर की तरह मूव करेगा तो सेल भी मूव करेगी, जो मीडियम है बाहर का वो मूव करेगा, जो एनसीईआरटी ने मेंशन भी किया। हां, उसके बाद कह रहा है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला आर स्ट्रक्चरली सिमिलर। देखिए गलत बात है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला हम बार-बार डिस्कस कर चुके हैं। यूकैरियोटिक फ्लैजेला में 9 2+2 अरेंजमेंट है और प्रोकैरियोट्स में आप जानते हैं बेसल बॉडी, हुक एंड फ्लैजेलम, वो अलग फ्लैजेलिन का बना है ये ट्यूबुलेट, तो स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। सीलिया एंड फ्लैजेला आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोट्स, ये परफेक्ट लिखा है। आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने कहा था सील के फॉर्म में बताया भी था, अपने डायग्राम में बताया था। हां, लो भाई प्लाज्मा, द कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला इज कॉल्ड एज एक्सोनिमा व्हिच हैज 9 पेयर्स ऑफ द डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड ए पेयर ऑफ द सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। बिल्कुल करेक्ट है, जो अपन ने बताया था वही सेम आ गया। 9 2+2 को ये कह रहा है, एक स्टेटमेंट रह गया ये सेकंड वाला, सीलिया रिलेटिवली, सीलिया रिलेटिवली लॉन्गर देन द फ्लैजेला। जो सीलिया है उनकी जो लेंथ है वो फ्लैजेला से कम होगी, इवन सर नंबर भी कम होता है, सॉरी नंबर ज्यादा होता है, नंबर ज्यादा होगा पर सेल जो है, आप ये कह सकते हैं अप टू 1000 सीलिया हो सकते हैं, लेकिन जो फ्लैजेला है वो अगर थ्रू आउट सरफेस भी प्रेजेंट है, मोनो सॉरी जो है पॉलीट्राइकस कंडीशन अगर है तब भी आप ये कह सकते हैं 10 12 15, बहुत ज्यादा नंबर उसका। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। और फिर लास्ट आपके पास फिफ्थ हो तो इस तरह के पूछे हैं, 1 2 3 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो स्टूडेंट्स 3 स्टेटमेंट्स आपके पास जो है वो करेक्ट है, क्लियर। नेक्स्ट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, आप जानते हैं बच्चों मैच्योर आरबीसी में नहीं होता है। मैच्योर सीव ट्यूब, आप जानते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट जो है वो भी इन्यूक्लिएटेड फॉर्म है, उसमें न्यूक्लियस की प्रेजेंस नहीं है। फिर कह रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड नन ऑफ दीज, न्यूक्लियस उपस्थित होता है आपसे पूछा है तो भी ऐसे इनमें से किसी में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं। अपन ये भी कह सकते हैं सर कि मैच्योर आरबीसी और सीव ट्यूब में जो है ऑर्गेनल ही नहीं होते, लैक ऑर्गेनल, ऑर्गेनल लैक, मतलब उनकी फंक्शनिंग जो है ना वो अल्टीमेटली, जैसे सीव ट्यूब जो है इनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल एग्जैक्टली कॉम्पेनियन सेल्स करती है। इस तरीके से ये आपके पास हो गया आंसर। नन ऑनली स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 111, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसको डिस्कस कर रहा है। यह mRNA संश्लेषण का स्थल होता है, इट इज द साइट ऑफ mRNA सिंथेसिस। mRNA सिंथेसिस का साइट नहीं, आप कहेंगे राइबोसोमल RNA जो है उसका सिंथेसिस या फॉर्मेशन यहां होता है। लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाय आर प्रेजेंट एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हुआ। फिर कह रहा है न्यूक्लियोलस कंटेन साइटोप्लाज्म, नो साइटोप्लाज्म कंटेन नहीं करेगा वो। न्यूक्लियोलस इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, देखिए इट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, कह सकता हूं मैं, क्योंकि न्यूक्लियस अपने आप में ऑर्गेनल है, मेजर कंट्रोलिंग यूनिट है, उसमें ऑर्गेनल की प्रेजेंस नहीं है, तो ये जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स नहीं होता है। तो इस तरीके से आपके पास जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हुआ लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट द प्रोटीन सिंथेसिस, क्लियर। नेक्स्ट 112, समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन
एट ए कॉन्स्टेंट लोकेशन, देखिए इसको हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था शुरू में ही, क्वेश्चन हमें मिल गया था सर ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन डायग्राम भी बनाया था, हाँ डायग्राम भी बनाया था एनआर रीजन, तो ये कह रहा है द गिव्स द अपीयरेंस ऑफ ए स्मॉल फ्रेगमेंट बियॉन्ड द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड, तो वो जो सैटेलाइट क्रोमोसोम्स हैं उन्हीं की बात की जा रही है। ये देखिए सीधा आपके पास आंसर मिल सकता है, देखिए सेंट्रियोल आप जानते हैं स्टूडेंट्स, उसका यहाँ से कोई लेन देन है नहीं, सेंट्रोमियर जो है वो बिल्कुल यहाँ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रेजेंट है, सेकेंडरी की बात कर रहा है या सेकेंडरी की बात कर रहा है आपसे, तो सैटेलाइट ये हो जाएगा, तो थर्ड आंसर करेक्ट करूं सर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट 113 माइक्रोट्यूबुल्स टेक पार्ट, माइक्रोट्यूबुल्स पार्टिसिपेट करती हैं फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर, डेफिनेटली करती हैं। फिर कह रहा है मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, ऑब्वियस है उसी का बना हुआ है तो अपने मोटर प्रोटीन की हेल्प से मूवमेंट कर लेगा, बहुत फर्स्ट एंड सेकंड। साइक्लोसिस लिखा है सर, थोड़ा सा साइक्लोसिस बच्चों को हम एक्सप्लेन कर दें तो ये ठीक रहेगा। देखिए जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट है, इंट्रासेलुलर मूवमेंट है बेसिकली, उनको कहा जा रहा है, तो आप इंट्रासेलुलर मूवमेंट में क्या मेटाबॉलिक एनर्जी का हमें इनपुट करना चाहिए? इंट्रासेलुलर मूवमेंट है वहां पर एनर्जी यूज होती है एक्टिव प्रोसेस में, एक्टिव प्रोसेस मैं इसको इसीलिए कनेक्ट करना चाह रहा था सर, फिजियोलॉजी में भी मैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग दे रखा है, जो साइक्लोसिस है इसी के साथ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो दे रखा है उसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स मेंशन किया है, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है वो इंट्रासेलुलर मूवमेंट ही है, इट इज द प्रोसेस ऑफ द एक्टिव मूवमेंट, ये एक्टिव प्रोसेस है, तो ये आप ध्यान रखें। सो यहां हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स एंड मूवमेंट ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजेला, और ये मेरे ख्याल से यूकेरियोट का ही करेक्ट है, यू ऑब्वियस है क्योंकि साइटोस्केलेटन आपने बात की जैसे कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट ही नहीं होगा, तो ऑब्वियस है यूकेरियोट्स जो है उन्हीं में प्रेजेंट होंगे। क्लियर? नेक्स्ट 114 फंक्शंस ऑफ द डिप्लोसोम, देखिए डिप्लोसोम किसको कह रहे हैं, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, तो जो परपेंडिकुलर प्रेजेंस आपने डिस्कस अभी की थी सेंट्रियोल्स की, टू परपेंडिकुलरली अरेंज विद ईच अदर, तो ये ऑब्वियस है डिप्लोसोम कहा जाता है। अब ये कह रहे हैं इसका फंक्शन क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन में इसका रोल नहीं है, रेस्पिरेशन में इसका रोल नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस में इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, और कह रहा है फ्लैजिला फॉर्मेशन, तो डेफिनेटली आप जानते हैं जो फ्लैजिला है उसकी बेसल बॉडी बनाने में ये हेल्प करता है, जो आपने पढ़ रखा है दैट इज 9+0। क्लियर? सो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा द डिप्लोसोम दैट इज द सेंट्रोसोम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला। क्लियर? नेक्स्ट 115 विच वन इज द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, कौन सा सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, तो थोड़ा सा आपको मतलब एक तरीके से ये क्वेश्चन पूछकर रिलैक्स किया गया है, ठीक है हम काफी डिस्कशन कर भी चुके हैं, आप जानते हैं ऑटोनॉमस होता अगर अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस नहीं होता, हमने कई बार बात की है, इनका जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है दोनों का ही जो जीनोम सिंथेसिस का प्रोसेस है दैट इज रेगुलेटेड अंडर द न्यूक्लियस, इसलिए ये सेमी ऑटोनॉमस है, तो आपके पास सीधा ही आंसर बच्चों हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो यहां मेंशन नहीं है, तो सेकंड आंसर करेक्ट हुआ। नेक्स्ट माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज ऑफ मेनली ए प्रोटीन दैट इज कॉल्ड, बिल्कुल अभी अपने डिस्कस किया था एक्टिन फिलामेंट, उनको एक्टिन फिलामेंट्स कहा भी जा रहा है सर, माइक्रोफिलामेंट्स जो है एक्टिन फिलामेंट्स है, तो ऑब्वियस है जो उनका सूक्ष्म तंतु है उनका मुख्य घटक हुआ एक्टिन, सेकंड आंसर आपके पास आ जाएगा। सर ये जो प्रोटीन्स दे रखे हैं इनके बारे में थोड़ा सा बच्चों को बता दें तो ठीक रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन में दिया आपका ट्यूबुलिन, तो ट्यूबुलिन अभी बात की थी माइक्रोट्यूबुल बनाते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये माइक्रोफिलामेंट्स रिलेटेड हो गया, मायोसिन जो है वो मोटर मोटर प्रोटीन, मोटर प्रोटीन ये मोटर प्रोटीन है किसकी, जो माइक्रोफिलामेंट्स उनकी मोटर मोटर एक्टिन एक्टिन फिलामेंट जो उनकी मोटर प्रोटीन है, मतलब उनका जो फंक्शनिंग है मोमेंट है वो इसी प्रोटीन के, क्रिएटिन जो है वो भी प्रोटीन है जो अपने नेल्स वगैरह में प्रेजेंट होती है, ठीक तो इस तरीके से ये आपके पास जो ऑप्शंस थे इनमें माइक्रोफिलामेंट्स का जो कंपोजिशन है वो एक्टिन है, एक्टिन फिलामेंट उनको कहा जाता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 117 व्हिच इज और आर, तो इसका मतलब है एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स एग्जाम में सर कई बार लिखा होता है तो डेफिनेटली वो आपको पहले ही क्वेश्चन से इंडिकेट करना चाहता है कि एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज वहां है। कह रहा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोजोम्स, माइटोसिस के केस में कह रहा है डेफिनेटली स्टूडेंट्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोजोम होगा, ये जो मदर सेल है अगर आप कहते हैं 2n इज इक्वल्स टू 4 6, ऑब्वियस है जो डॉटर प्रोजेनी बनेगी वहां भी नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो इक्वल होगा 2n 4 6। लेकिन एक बात सर मैं कहूं मियोसिस के केस में ये अगर हम कहें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम तो इनकरेक्ट हो जाएगा, बट अगर मियोसिस के केस में मैं ये कहूं द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं करेक्ट हो जाएगा, वो इसलिए हो जाएगा स्टूडेंट्स, जैसे देखिए ये मैं कहूं मियोसिस फर्स्ट
और मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो आप जानते हैं इक्वेशनल डिवीजन के बजाय रिडक्शनल डिवीजन है, तो इस रिडक्शनल डिवीजन में यहां आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 23। और फर्दर अब ये जो डॉटर प्रोजेनी बनाएगा, जो दोनों सेल्स डॉटर प्रोजेनी बनाएंगी, तो ऑल फोर सेल्स विल हैव द इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इन सब में आप ये कह सकते हैं n 23 होंगे। तो इसके भी हाफ पे मैं कह सकता हूं देयर विल बी द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, तो देखो ये जो दूसरा स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं सर, ये रेफरेंस है इन बिटवीन प्रोजेनी, और वो जो रेफरेंस है ये है इन बिटवीन मदर एंड प्रोजेनी। क्लियर? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारे लिए सर क्या हुआ? सही। सेकंड आप देखें सर, रिस्टोरेशन ऑफ द सरफेस बाय वॉल्यूमेशन, यहां ये बात कर रहा है सरफेस बाय वॉल्यूमेशन। जैसा कि अपन जानते हैं जैसे ही सेल में ग्रोथ होगी जी, तो सेल का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो तो इंक्रीज हो गया, जो सरफेस एरिया है उसके रेस्पेक्ट में कम हो गया। बिल्कुल, तो यहाँ सरफेस बाय वॉल्यूम जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल, इसलिए इस वापस इस सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो को रिस्टोर करने के लिए इसको डिवाइड मेंटेन होना, एक तरीके से डिवीजन का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी यहाँ क्लियर किया जा रहा है कि सरफेस वॉल्यूम रेशियो जो है वो अल्टीमेटली मेंटेन करने होते हैं सेल्स को, इसलिए वो डिवीजन करती है। क्योंकि देखो सर, जैसे डिवीजन को हम कैटेगराइज करते हैं तो हम ये कहते हैं डिवीजन इज कैटेगराइज बाय द ग्रोथ ऑफ ए सेल एंड द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, लेकिन इनमें से एक अकेली बात जो है रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए वो ही करेक्टराइज करती है, क्योंकि सेल तो जब डिवाइड नहीं हो रही होती है ग्रोथ तब भी करती है। तो ग्रोथ जब उसमें हो रही है तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो और जो सरफेस वॉल्यूम रेशियो है ये दोनों ही डिस्टर्ब होंगे, तो इनको फिर से मेंटेन करने के लिए सेल को क्या होना पड़ेगा? डिवाइड। फिर सर थर्ड लिखा है मेंटेनेंस ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो, जैसा हम अब लोग अभी बात कर रहे थे, तो इसका जो साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन करना है, सरफेस वॉल्यूम रेशियो मेंटेन करना है, तो ओबीएस सेल को डिवाइड होना पड़ेगा। तो देखिए ये तीनों बातें जो है वो सिग्निफिकेंट शो कर रही है किसका? माइटोसिस का। सो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, काफी सारी बातें हमने डिस्कस कर ली, ये काम आएगी आगे, सारे कई सारे क्वेश्चन हैं जिनमें हम इनके रेफरेंसेस पढ़ पाएंगे। 118, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट पूछा है सर। इन कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस न्यूक्लियस इज इनडायरेक्टली डिवाइडेड। बिल्कुल करेक्ट बात है। देखिए मियोसिस और माइटोसिस दोनों ही इनडायरेक्ट डिवीजन है। ठीक है, डायरेक्ट डिवीजन में तो सर माइटोसिस आप कह सकते हैं, ये इंस्टेंट डिवीजन प्रोकैरियोट्स में जो होता है, तो ये सही हो गया। फिर है कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए बिकम डबल इन न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ एस फेज। बिल्कुल ठीक बात है, डीएनए कंसंट्रेशन अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है। एनसीईआरटी दिया, क्वेश्चन भी आया एग्जाम में एक बार 2015 में आया है, 14 में आया, 2C से 4C हो जाएगा। इवन में अगर इसको अपन 2C कंसीडर करें तो एस फेज में ये हो जाएगा 4C। बिल्कुल सर। फिर कह रहे हैं विस्कोसिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म इज डिक्रीज्ड इन प्रोफेज। यहां डिक्रीज दे दिया, हां मतलब इंक्रीज होती है, होनी चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है प्रोफेज अवस्था से हो गया, क्रोमोसोम्स अपीयर वी एल जे एंड आई शेप्ड इन द एनाफेज। बिल्कुल, और ये जे शेप रिप्रेजेंट करेगा एक्रोसेंट्रिक, और जो आई शेप है वो रिप्रेजेंट करेगा टीलोसेंट्रिक। ये इस तरीके से क्रोमोसोम्स की, और ये सर शेप जो है ना एग्जैक्टली वहां जब माइटोटिक स्पिंडल फाइबर असेंबली बनती है, क्रोमोसोम्स में स्प्लिटिंग हो जाती है, मतलब सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, उसके बाद जब वो पोल्स की तरफ मूवमेंट में जाते हैं तब जब क्या कि आपको ये जो है वहां लिखा भी है जो सेंट्रोमियर है वो उसको डायरेक्ट करेगा इसकी मूवमेंट को, तो ये जो सेंट्रोमियर है ये होता है पोल की तरफ, और जो आर्म्स हैं ऑलवेज ट्रेल बिहाइंड, मतलब पीछे की तरफ चलती रहती है इस तरीके से। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें इनकरेक्ट रेफरेंस हो गया। थर्ड, विस्कोसिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म विल बी इंक्रीज्ड ऑलवेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोफेज। Clear? Next, 119, the centromere does not divide till the end of metaphase. This is important because centromere metaphase के अंत तक वो divide नहीं होता, because metaphase में तो आप ये कह रहे हैं ये ऐसी condition में chromosomes जो हैं वो assembly बना के जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं kinetochore जैसा हम students discuss करके आए, तो ये सही बात कह रहा है। क्यों? अब ये महत्वपूर्ण क्यों है इस पे देख लेते हैं, options पढ़ते हैं। This is helpful in DNA replication in G1 phase. G1 phase में DNA replication में ये helpful है। बिल्कुल गलत है statement। कोई उसका सीधा हाँ कोई logic बनता नहीं है। देखिए DNA replication का जो process है S phase में जो हो रहा है directly आप ये कह सकते हैं जो genetic material है वो duplicate हो जाता है। फिर ये कह रहा है ये produce करता है spindle fibers। स्पिंडल फाइबर्स तो एग्जैक्टली हमने कहा था सेंट्रोसोम आपने पढ़ा उससे रेडिएट आउट होते हैं। बिल्कुल, तो इसमें ये भी गलत हो गया, तो दोनों स्टेटमेंट सर मैं कह दूं गलत हो गए।
फिर कह रहा है कंटेन जीन्स दैट कंट्रोल प्रोफेज एंड मेटाफेज, बिल्कुल करेक्ट है, जीन से इसका कोई, हाँ जीन से लेना देना नहीं है इसका कोई भी। तो देखिए ये जो है वो प्रोफेज और मेटाफेज को कंट्रोल नहीं कर सकता। होल्ड्स द रेप्लिकेटेड डीएनए टुगेदर, गुड, दिस वन इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, डायग्राम में भी आपने मेंशन कर दिया है। देखिए जैसे दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है तो ये रेप्लिकेटेड ही तो है, ये इसकी कॉपी है एग्जैक्टली, तो इसको जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उन सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़े रखता है होल्ड करके, क्योंकि मेटाफेज के ठीक बाद सर जाके एनाफेज में ये डिवाइड होगा और इसकी स्प्लिटिंग होगी, तो मेटाफेज के बाद एनाफेज में जब इसकी स्प्लिटिंग होगी तो ये डिवीजन जब हो जाएगा तो ये सिंगल सिंगल क्रोमेटिड के फॉर्म में अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दोनों रेप्लिकेटेड डीएनए फॉर्म्स को होल्ड किए हुए रखता है। क्लियर, तो स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा हमारे पास फोर्थ। नेक्स्ट 120, इन ए क्रोमोसोम ऑफ द मेटाफेज टू क्रोमेटिड्स आर कनेक्टेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। वही स्टूडेंट जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था ये हमें कह रहा है कि ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम है और इस मेटाफेजिक क्रोमोसोम के जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को कौन सी फेज में बनाया जाता है, तो ऑब्वियस है अभी आप कह रहे थे इट इज द रेप्लिकेटेड फॉर्म, तो ऑब्वियस है ये किस फेज में बन जाएंगे, एस फेज, ये तो सिंथेटिक फेज होता है। क्लियर, नेक्स्ट 121, बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस इन लेबोरेटरी। ये देखिए कई बार क्वेश्चन आता है सर, है ना, और इसमें जैसे बच्चों को जो है ना वो कई सारी चीजों को लेकर डाउट भी होता है कि क्यों बेस्ट स्टडी मटेरियल ये है, सीधा आंसर तो बहुत सारे बच्चों को क्लियर भी होता है, तो थोड़ा सा हम इसमें फोकस करेंगे। पहले कह रहा है कॉर्टेक्स ऑफ द स्टेम, ठीक, उसके बाद कह रहा है रूट हेयर, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड ओवरी, तो थोड़ा सा मेंशन कर दें सर, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम, तो ऑब्वियसली आंसर तो यही है, लेकिन यहाँ क्यों है इसकी बात देखिए कर लेते हैं जी। इंपॉर्टेंट तो ये है कि यहाँ पर देखो मेरिस्टेम है, तो मेरिस्टेम एक्टिविटी की बात करो, मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होती है, मेटाबॉलिकली माइटोटिक डिवीजन में कंटिन्यूअसली एंटर हो रही है, तो वो कंटिन्यूअस डिवीजन करती रहती है। जैसे देखो सेल का वो ही है ना, इस पर सेल साइकिल में भी थोड़ा हम इसके लिए जा सकते हैं, लेकिन परफेक्ट डिवीजन के साथ ही हम बात करेंगे। सेल साइकिल में जैसे ही डॉटर प्रोजेनी बनी, वो जो डॉटर सेल्स हैं इंस्टेंटली दे आर एंटरिंग इन द सेल साइकिल और जस्ट आफ्टर रेस्टिंग फेज, ये इंपॉर्टेंट है। अगर रेस्टिंग फेज में जा रही है तो जीनोट फेज में जा रही है, और उस जीनोट फेज को भी दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो किसी सेल साइकिल के क्वेश्चन के साथ ही हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा लेंदी हो जाएगा नहीं यहाँ। तो फिर हम ये कह सकते हैं जैसा सर ने बताया कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होती है, इसलिए उनको ऑब्जर्वेशन के लिए ले लिया जाता है, दे आर द बेस्ट। यहाँ कॉर्टेक्स दे दिया स्टूडेंट्स, अब कॉर्टेक्स की सेल जो है वो डिफरेंशिएटेड फॉर्म है, अब ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म तो जो है वो आप जानते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ही डिवाइड हो सकती है, टेम्परेली दे लॉस द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, और ये एपिडर्मल आउटग्रोथ है जो अपने आप में सिंगल सेल होता है। ओवरी या अंडा से आपको पता है पूरा ऑर्गेनल, आपको पूरा ऑर्गन आपको यहाँ मेंशन करके दिया है, तो हमारा आंसर यहाँ होगा रूट एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट 122, इफ ए सेल प्लांट रूट कंटेन 14 क्रोमोसोम्स, then how many chromosomes mark kar de sir, chromatids, centromeres and kinetochores are occurred in the metaphasic mitosis, metaphase of the mitosis, to dekhiye 14 chromosomes keh raha hai sir, metaphase ka mention kar de, metaphase mein इतना अपन डिस्कस कर चुके हैं इसमें, हाँ आपका डायड फॉर्म में होगा क्रोम, बिल्कुल डायड फॉर्म में होगा, सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में तो देखो कोई चेंज आएगा ही नहीं, 14 लिखा है इसने तो ऑब्वियस है 14 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने ही चाहिए। फिर कह रहा है हमें सर कह रहा है क्रोमेटिड, सो टू सिस्टर क्रोमेटिड्स इन ईच क्रोमोसोम, तो ये हो जाना चाहिए 28, तो 28 का ऑप्शन मेरे पास ये रहा। फिर उसके बाद में ये कह रहा है सेंट्रोमियर्स, तो ऑब्वियस वन क्रोमोसोम कंटेन वन सेंट्रोमियर, तो सर 14 ये हो गया। उसके बाद कह रहा है काइनेटोकोर, आपने कहा है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर वजह से बना रखा है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है दो प्रेजेंट होती है, दो काइनेटोकोर प्रेजेंट, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर हो गया सेकंड। इसका पूरा थीम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 123, विच वन इज करेक्ट अबाउट एस फेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है एस फेज ऑफ सेल साइकिल, सर थोड़ा सा साइकिल ड्रॉ करके ब्रीफ करेंगे हम इसको यहां से, ये देखिए ये आपके पास सीक्वेंस है, G1 गैप फर्स्ट और ग्रोथ फेज, एस जो है वो सिंथेटिक फेज, एस G2 गैप सेकंड और द ग्रोथ सेकंड, और एम जो है वो डिवाइडिंग फेज होता है। तो यहां से हमें स्टूडेंट पूछा गया है कोशिका चक्र की ऐसा अवस्था के बारे में, इट अकर्स बिटवीन G1 एंड G2, बिल्कुल G1 G2 के बीच में हो रही है, तो स्टेटमेंट सही हो गया, इट मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए रेप्लिकेट्स, डेफिनेटली ये डीएनए रेप्लिकेशन से ही करेक्टराइज होती है सिंथेटिक फेज, हां
फिर कह रहा है एट द एंड ऑफ दिस फेज डीएनए इज डबल्ड बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। ये बिल्कुल परफेक्ट बात है, डीएनए डबल हो गया, जैसे आपने कहा था सर 2C से 4C हो गया, लेकिन ये 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो फाइनली 2N ही रहेगा। और इसका बेसिक रीजन ये है, सेल जब क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन को होल्ड करती है और ये क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन से क्रोमोसोमल फॉर्म बनता है, तो जो प्रोफेज में क्रोमोसोम हमारे पास लेट प्रोफेज में जाके अपीयर होता है वो 2 क्रोमेटिड्स के साथ अपीयर हो रहा है। इसका मतलब ये रेप्लिकेटेड फॉर्म है, इससे पहले ये सिंगल क्रोमोसोम सिंगल क्रोमेटिड रहा होगा, मोनाड था। और ये हाइपोथेटिकल क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि दिखाई देता ही कब आपको प्रोफेज में। सो ये मोनाड से डायड बन के आया है, तो ओबीएस स्टूडेंट्स पहले एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड था, अब एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है, तो क्रोमोसोम्स का नंबर नहीं बदला है, इसमें जो क्रोमेटिड्स हैं वो डबल हो गए हैं, मींस डीएनए नंबर जो है या डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल हो गया है। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स लिखा है ऑल ऑफ दीज, तो ऑब्वियस है एस फेज के लिए ये सारी बातें जो है वो सही लिखी हुई है। क्लियर, नेक्स्ट, विच ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है इनमें। डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोसोम एंड क्रोमोसोम इज कंटिन्यूसली डिक्रीज इन एनाफेज। देखिए सेंट्रोसोम जो है और क्रोमोसोम एनाफेज में डिक्रीज होती है। सर एक सेल का डायग्राम बना के आप थोड़ा सा इंडिकेट कर ही दें। अगर एनाफेज की अगर बात करें तो ये तो हो गया आपका सेंट्रोसोम जो पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं तो ये सिस्टर क्रोमेटिड जो है ये वाले सिस्टर क्रोमेटिड मूव टुवर्ड्स द पोल्स, तो जब पोल की तरफ जाएंगे ये तो जो क्रोमोसोम और सेंट्रोसोम के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। ये डिवाइड होते हैं, इनके बीच इंटरमीडिएट फिलामेंट ये बन जाएगा और ये एग्जैक्टली जितना पोल्स की तरफ मूव करेंगे उतना ही सेंट्रोसोम और क्रोमेटिड की डिस्टेंस कम होती चली जाएगी। जी अगला पढ़ो सर। बिल्कुल, डिस्टेंस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड इज कंटिन्यूसली इंक्रीज इन एनाफेज। बिल्कुल, ये सिस्टर क्रोमेटिड जो सेपरेट हुए हैं उनकी डिस्टेंस लगातार बढ़ रही है, जो इंटरजोनल फाइबर है ये फॉर्म होते जाएंगे। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट एल, मेटासेंट्रिक जो है वो वी रिप्रेजेंट करता है, अगर सब मेटासेंट्रिक होता तो ये सही हो जाता, सही हो जाता, ये वी आ जाता मेटासेंट्रिक। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इन एनाफेज बोथ सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम आर टर्न इन डॉटर क्रोमोसोम। बिल्कुल, ये दोनों फ्यूचर के क्रोमोसोम, ये फ्यूचर क्रोमोसोम डॉटर क्रोमोसोम है। तो स्टूडेंट्स आंसर हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया थर्ड। क्लियर, नेक्स्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, the ER and Golgi body are disappeared in endoplasmic reticulum और Golgi body के लिए पूछा है कब disappear होंगे। तो सर जो सेल है उसमें आप जानते हैं endoplasmic reticulum cytoplasm में compartments बनाती है, तो obvious है division अगर करवाना है सेल में तो उसको वहां disappearance मिलाना पड़ेगा। अब ये anaphase लिख रहा है, तो anaphase जो दोनों है beginning और late इसको तो हम यहाँ से reject कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि anaphase में तो division हो ही जाता है, सेंट्रोमियर जो है उसकी splitting हो जाती है और क्रोमोसोम डिवाइड हो जाता है। अब हमारे पास दो बातें, बिगनिंग एंड एंड ऑफ द प्रोफेज, डेफिनेटली प्रोफेज भी होगा। अब बिगनिंग में होता है कि एंड में होता है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे थोड़ा सा हम फोकस करें। डिसअपीयर्ड, सर मार्क कर दें आप कैसे डिसअपीयरेंस में जा रहे हैं। बिल्कुल, ये अगर अपन डायग्राम थोड़ा सा डायग्राम ले लें, ये तो आपका है अर्ली प्रोफेज जी, और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर होना स्टार्ट होती है जी, विजिबल होगी, जो आपके क्रोमो सेंट्रोसोम्स हैं वो मूव करते हैं पोल के तरफ, क्रोमोसोम जो है वो स्लाइटली विजिबल होना स्टार्ट होते हैं, विजिबिलिटी में जो लॉन्ग और थिन होते हैं। हाँ, लेकिन जो ER और जो गोल्जी बॉडी है वो अभी अपीयर है अर्ली में। हाँ, वो डिसअपीयर होना स्टार्ट नहीं है बिगनिंग, मतलब डिसअपीयरेंस आना शुरू हुई है। बिल्कुल, और जैसे लेट प्रोफेज आएगी तो आपके सेंट्रोसोम जो है वो पोल पे पहुंच गए, और यहाँ जो क्रोमोसोम्स है, आपने एक स्टेटमेंट दिया था जो न्यूक्लियस है उसकी जगह पे क्या देखेंगे क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स है वो साइटोप्लाज्म में स्केटर्ड हो जाएंगे और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ER है ये कंप्लीटली डिसअपीयर। देखो डिसअपीयर्ड लिखा है यहाँ, रेफरेंस जो इसको देखेंगे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। डिसअपीयरेंस विल बिगिंस एट द बिगनिंग ऑफ प्रोफेज बट दे विल डिसअपीयर्ड कंप्लीटली एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ प्रोफेज। तो हमारे पास सर आंसर पिक कर दूं, बिल्कुल आंसर हो जाएगा फॉर एंड ऑफ द प्रोफेज। नेक्स्ट 1, 2, 6, which type of spindle fiber is present in anaphase but absent in metaphase? Anaphase में present है, metaphase में absent है। वो कह रहा है chromosomal spindle fiber definitely होने चाहिए, दोनों में ही होंगे। देखिए सर मैं इसके लिए एक बना दूं डायग्राम से मेंशन कर, ये क्रोमोजोम है मेटाफेज में, एक साइड ही बना रहा हूं मैं, ये सेंट्रोमियर सॉरी सेंट्रोसोम, ये डायरेक्ट जो कनेक्ट कर रहा है काइनेटोकोर से, इसको क्रोमोजोमल फाइबर हम कह रहे हैं। इसके अलावा ये जो है वो सपोर्टिंग फाइबर्स कहे जा रहे हैं। तो माइटोटिक स्पिंडल फाइबर असेंबली जब बन गई तो बेसिकली दो टाइप के फाइबर है। अब वो कह रहा है कि मेटाफेज में तो प्रेजेंट होते हैं, एनाफेज में नहीं होते, तो ये डिफरेंस ही हमें देखना है। एनाफेज का एक डायग्राम बना दें आप, ड्यूरिंग एनाफेज जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो
मूव करेंगे टुवर्ड्स द पोल्स, तो ये तो क्रोमोसोमल हो ही गए, और यहां पर जो बनेंगे इनके बीच में इंटरजोनल स्पिंडल, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर्स। तो देखिए नॉन क्रोमोसोमल का तो कोई रेफरेंस है ही नहीं है, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर्स ये बनना शुरू हो जाएंगे एनाफेज में, जो पहले कहां नहीं थे मेटाफेज में। ये कब बनना शुरू हुए हैं तो इसको अगर आप बताना चाहो तो स्टूडेंट्स, जैसे ही क्रोमोसोम्स की स्प्लिटिंग होती है, इस स्प्लिटिंग से सिस्टर क्रोमेटिड्स पोल्स की तरफ मूव करते हैं, तो इन बिटवीन जैसा सर ने वहां मार्क कर रखा है ये जो है वो भी इंपॉर्टेंट भी है। देखो यहाँ पर एक चीज और बताना चाहेंगे, जैसे ही मूवमेंट हो रही है तो जो इस क्रोमोसोम और स्पिंडल फाइबर है ये तो क्रोमोसोम को क्या कर रहे हैं, और पोल्स पर उसके क्लस्टर फॉर्म में आने की पॉसिबिलिटी है, जिससे वो टेलोफेज की तरफ जा सके। तो ऑब्वियस स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो गया इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर्स, जो मेटाफेज में नहीं थे और एनाफेज में आ गए। नेक्स्ट 127 देखिए है इन एन हैप्लॉइड सेल ऑफ An animal cell contains C concentration of DNA. Cell कह रहा है आपके पास haploid है, N है और DNA content क्या है? C है, ठीक है? तो फिर कह रहा है, then what is the amount of DNA in G2 phase of the diploid cell? तो देखो haploid है, इसको सीधा ही diploid कर लो आप, तो diploid करोगे तो obvious है ये 2N है और DNA content क्या होना चाहिए? 2C हो जाए, 2C हो जाना चाहिए, C के बजाय आप कहेंगे DNA content 2C हो जाना चाहिए। और स्टूडेंट्स हमें G2 फेज कह रहा है, अब इसलिए तो इसका मतलब वो साइकिल में चली गई, तो यहां देखो इंटरमीडिएट G1 S G2 तो इसी को आप जो है साइकिल के अंदर एंटर कर दो, यहां पर 2C है, यहां पर 4C हो जाएगा और G2 में 4C मेंटेन रहेगा। सो ऑबवियस है स्टूडेंट्स, जंतु की एक एगोनित कोशिका में डीएनए की मात्रा अगर सी है तो उसकी द्विगुणित कोशिका की G2 प्रावस्था में ये मात्रा जो है वो क्या हो जाएगी? 4C। तो ये मेरे पास फर्स्ट आंसर है, ये 4C हो जाएगी। क्लियर? इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में भी पहले आए आते रहे, तो आप थोड़ा सा वो कीनली ऑब्जर्व करें, बस इसको सावधानी पूर्वक ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है 128, क्रोमोसोम विद सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, सेकंड इज रिलेटेड, काफी बार आ चुका है, हाँ ये काफी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो डायरेक्ट आंसर भी हम आ जाते हैं कंस्ट्रिक्शन। तो ये कौन सा रीजन है एसोसिएटेड विद नोड और न्यूक्लियस से रिलेटेड हो गया, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है ये बिल्कुल सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ये एसोसिएट होती है, तभी ये बनता है नोड रीजन, तभी बनता है। तो एग्जैक्टली पूरे रीजन को अपन बोल देंगे नोड, दैट इज द न्यूक्लियस, तो दोनों से रिलेटेड हो गया। हां तो आंसर हमारे पास सर इसका हो जाएगा बोथ सेकंड एंड थर्ड। क्लियर? नेक्स्ट 129, इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल्स, अपीयरेंस ऑफ टू क्रोमेटिड्स, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस आर मार्क्ड फीचर ऑफ। वो कह रहा है कि समसूत्री विभाजन जो है उसमें तंतुओं के समूहन का प्रारंभ, दो क्रोमेटिड का प्रकटन, दो क्रोमेटिड्स अपीयरेंस है, और संघनन प्रक्रिया का प्रारंभ होना किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है? तो जैसा सर ने भी दो डायग्राम बनाए थे, अर्ली प्रोफेज था एक लेट प्रोफेज था। तो अर्ली प्रोफेज में आपको क्रोमोसोम विजिबिलिटी में दिखने लगते हैं और थिन और लॉन्ग थर्ड होते हैं, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो अब एग्जैक्टली आप ये कहेंगे कि ये इसके बाद मेटाफेज तक जाते जाते स्टूडेंट्स ये कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, शॉर्ट एंड थिक होना शुरू हो जाते हैं। तो सर मेटाफेजिक क्रोमोसोम जो होता है वो मैक्सिमली थिक होता है या हाईली कंडेंस होता है, उसके बाद कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो डिवीजन में जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्रोमेटिड्स हैं, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स की अपीयरेंस जो कह रहे हैं ना, प्रकटन प्रारंभ और संघनन प्रक्रिया का प्रारंभ, कंडेंसेशन का प्रारंभ, ये दोनों ही कहां हो सकते हैं? प्रोफेज। और ये इसका मार्क भी है, हाँ मार्क फीचर है इसका एग्जैक्टली, कि यहां से कंडेंसेशन शुरू होगा और क्रोमोसोम्स विजिबिलिटी में आएंगे। नेक्स्ट 130, विच इज करेक्ट अबाउट द क्वेश्चन्ड स्टेज ऑफ द सेल। देखिए इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, पिछले दो साल से काफी कंट्रोवर्सी सर एग्जाम के क्वेश्चंस को लेकर आ रही है और थोड़ा सा हमें बात करनी भी चाहिए क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। अब लैंग्वेज का गेम होता है सारा, इस बार के क्वेश्चन में जो एग्जाम में आया था उसमें लैंग्वेज को लेकर थोड़ा सा दिक्कत थी, इसलिए कई सारे बच्चों को दिक्कत हुई होगी। ये एम, इसी एम में हम ये जानते हैं ये हुआ साइटोकाइनेसिस, ठीक है सर? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये हम कहते हैं G1, ये आप कह रहे हैं S और ये है G2, ये कंप्लीटली जो है वो है इंटरफेज, ठीक है? आपको पता है बच्चों मैक्सिमम टाइम इसमें लगता है और विद इन 1 आवर जो है, हालांकि सेल टू सेल वेरी करता है लेकिन NCERT जो आपको एग्जांपल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग 1 आवर में डिवीजन हो जाता है। तो सर ये सेल जो है वो जी नोट यूं दिखाई गई है NCERT के डायग्राम में। तो अल्टीमेटली होता क्या है बच्चों, यहां से डॉटर सेल्स बनी, अब वो डॉटर सेल्स कंटिन्यूसली डिवीजन में एंटर करेंगे या फिर रेस्टिंग स्टेज में जाएंगे, दैट रेस्टिंग स्टेज एग्जैक्टली द
क्वेश्चन स्टेज, इसको आप जी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद अब सर दिक्कत क्या, देखो एनसीईआरटी तो एक्सप्लेन क्वेश्चन जो फेज है उसके एक ही टाइप को कर रही है, बिल्कुल, जबकि अल्टीमेटली दो टाइप इसके होते हैं कि जैसे रेस्टिंग स्टेज में अगर आ गई तो कुछ देर रेस्टिंग स्टेज के बाद मतलब एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद में इट विल एंटर रिपीटेटिवली और इट विल नेवर एंटर, अगर कभी भी एंटर नहीं हो गई तब तो सेनेसेंट फेज में वो चली गई, मतलब डिफरेंशिएटेड हो गई और अब डिविजन नहीं करेगी, तो वो जो है वो तो चली जाएगी सेनेसेंट फेज में, और जो फिर से डिविजन में एंटर करेगी उसको एग्जैक्टली इसने क्या कहा है, क्वेश्चन, वो क्वेश्चन फेज होती है। तो यहां हमें कहा गया है विच इज द करेक्ट अबाउट द क्वेश्चन स्टेज ऑफ द सेल, ये जीनोट फेज होती है, सेल मेटाबॉलिकली पैसिव एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिकली पैसिव होने का मतलब तो लिविंग एग्जिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा। फिर कह रहा है जीवन फेज बिल्कुल नहीं हो सकता, जी नोट फेज सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव डेफिनेटली ये रहेगी, और फिर है जीवन फेज सेल मेटाबॉलिकली पैसिव, तो ऑब्वियस स्टूडेंट्स आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड। यहां इस बार के क्वेश्चन का रेफरेंस लेके सर अगर डिस्कस करना चाहे और अपन, तो उसमें लिखा था इस बार जो प्रोसेस इस जी नोट को लेके लिखा था वो क्लियर, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज में मुझे जहां तक याद है इस क्वेश्चन को उसने डिफाइन किया था पहले तो बिल्कुल कि एक वेजिटेटिव सेल जो है वो डिवाइड हो रही है और वो क्वेश्चन फेज में एंटर कर गई है, एंड ऑफ, हाँ, फिर वो कह रहा है दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ, तो देखो ये साइटोकाइनेसिस के बाद मतलब एम फेज के बाद ये जो है इसके सब खत्म होने के बाद आप ये कह सकते हैं जी नोट में मिल सकती है, लेकिन इसके बिल्कुल लास्ट में जाके जी नोट में नहीं मिलेगी क्योंकि यहां तो पूरा प्रिपरेशन को कर चुका है, तो अल्टीमेटली लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो है वो इनकरेक्ट रेफरेंस, कंट्रोवर्सी लैंग्वेज की थी, अदरवाइज बोल सकते हैं एग्जिट फ्रॉम द जीवन, हाँ, जीवन में ही एंटर करती है और जीवन से ही एग्जिट होती है, तो इसे तो कोई डाउट ही नहीं, लेकिन सर वो जो लैंग्वेज था, अब जैसे हम क्या कीनली ऑब्जर्व करते हैं, हमारी गलती भी नहीं है, बच्चे की गलती भी नहीं है, कीनली ऑब्जर्व अगर हम करते हैं तो एट द एंड ऑफ हम उसको देखेंगे और एंड ऑफ देखते ही हम जो है वो उस जीवन के एंड में आ सकते हैं, नहीं है आपको एम के एंड में रहना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई है बच्चों में, हाँ काफी दिक्कतें भी, बहुत सारे बच्चों के ये सवाल गलत हुए, तो वहां लैंग्वेज में अगर ये लिखा होता दिस जी नोट और द क्वेश्चन फेज अकर्स एट द अर्ली स्टेज ऑफ, डेफिनेटली आंसर आपका जीवन हो जाता, अर्ली स्टेज ऑफ द जीवन, कुछ नहीं लिखता फ्रॉम, हाँ फ्रॉम लिखता, हाँ वो जो अकर्स एट द एंड ऑफ जो लिखा उसको लेके ये दिक्कत है भाई, तो फिर भी आपको कंसेप्ट पे रहना है, बाकी तो जैसा एंटी आंसर कहता है वो ये में मानना होता है, क्लियर। नेक्स्ट 131, इन विच स्टेज क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, देखो आप ये डिस्कस किया है, अभी अपन ने कौन सा प्रोसेस किया, अच्छा डिस्कस हमने किया है कि बेसिकली प्रोफेज में ये हो जाए। नेक्स्ट इन विच स्टेज डीएनए ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर रेप्लिकेटेड, तो देखो सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर रहा है सर, ये माइटोकॉन्ड्रिया को कह रहा है या इसके अलावा आप कह सकते हैं प्लास्टिड्स, तो देखो हमने लास्ट एक जो एपिसोड था उसमें भी डिस्कस किया था कि इनका जो फॉर्मेशन है या इनका जो डुप्लीकेशन है वो जी टू फेज में जाके होता है, तो ये कह रहा है कौन सी अवस्था में कोशिकांगों के डीएनए की प्रतिकृति होगी, तो यहाँ देखो ये जो कोशिकांग है उनके डीएनए की प्रतिकृति स्पेसिफाइड नहीं है, हाँ जो आपका जेनेटिक मटेरियल है जो न्यूक्लियर जो डीएनए वो एस में है, लेकिन जो जेनेटिक जो डीएनए कंटेंट है सेल ऑर्गेनेल का वो देखा जाए तो पूरी इंटरफेज में कहीं भी बन सकता है, मोस्ट ऑफ केसेस में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स एग्जिस्टेंस में आएंगे जीटू में, लेकिन कहीं जीवन अगर लिखा होता हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली रेप्लिकेशन तो उनके डीएनए का कहीं हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जैसे सर ने कहा ना की पॉइंट पकड़ लीजिए आप तो कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स हैं इन सेल ऑर्गेनेल्स के डीएनए कंटेंट का रेप्लिकेशन स्पेसिफाइड नहीं है, कहां होगा इंटरफेस में कहीं होगा, कहीं भी हो सकता है, डुप्लीकेशन मेनली जो है इनका जीटू में होगा, हाँ डुप्लीकेशन के केस में अगर आप जाएं तो मेनली वो जीटू में ही होता है, तो इस तरीके से हमारा आंसर सर हमें चूज कर लेना चाहिए यहां ऑल ऑफ दीज। एक बहुत बेसिक बात ये भी है जीवन एस जीटू तीनों स्टेजेस जो है तीनों जो फेजेज हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन करती हैं, फर्क ये है कि प्रोटीन किस टाइप का बना रही है, बिल्कुल, और जहां प्रोटीन बनेगा वहां आरएनए बनेगा, बिल्कुल पे डाउट रहता है, तो जो आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस है वो तीनों में हो रहा है, तीनों में होता है, क्लियर। अगले पे बात करें सर, नेक्स्ट है 133, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज मेटाबॉलिकली एक्टिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज मैक्सिमम, कौन से फेज में मेटाबॉलिक एक्टिविटी मैक्सिमम होनी चाहिए इंटरफेज में, क्योंकि ये इंटरफेज जो है वो बच्चों प्रिपरेटरी फेज है, ये प्रिपरेटरी फेज है सेल डिवीजन से रिलेटेड मैक्सिमम प्रिपरेशन जो है सर इसी में हो रही है, बिल्कुल, तो ऑब्वियस है जीवन एस और जी टू प्रोलॉन्ग्ड स्टेज भी है, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन भी कंज्यूम करती है, मैक्सिमम एनर्जी भी रिक्वायर करती है, तो इंटरफेज जो है वो मेटाबॉलिकली
हाईली एक्टिव होते हैं, जीन बिल्कुल एक्टिव रहते हैं उसमें। और एक बात और कहना चाहूंगा कि वहां पर देखो इंटरफेज में जो आपका डीएनए है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में है, क्रोमेटिन फाइबर। जैसे एम फेज में आप चले जाओगे डिवीजन फेज में तो वहां पर तो क्रोमोसोम की फॉर्म है, और क्रोमोसोम में तो हाईली कंडेंस हो गया तो वहां पर जीन एक्टिविटी जो है रिप्रेस हो गई। बिल्कुल वहां परफेक्ट एक लोकेशन पर लोकेट करेगा वो अपनी लोकाई जो है उसको मेंटेन रखता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जबकि यहाँ चेंज हो रहा है ये, इसलिए यहाँ मेटाबॉलिकली एक्टिव वो ज्यादा रहेगा। 134 If a cell of the aleuron layer contains, students, aleuron layer हमने discuss किया था। Aleuron layer जो है वो सर endosperm जो है angiospermic plants में monocot में specifically आपको दिखेगा 3N, ये 3N होती है। इसमें कह रहा है 48 number of chromosomes are there. Then how many chromosomes are found in a meiosite? देखो बच्चों meiosite वो है जिसमें meiosis हो रहा है। Exactly कोई भी cell है ये meiosite कब कहीं जा सकती है जिसमें cell division हो रहा हो। तो जैसे एल्यूरोन लेयर की सेल में वो कह रहा है मियोसाइट करवाना आपको, तो यहाँ 2N इज इक्वल्स टू 48 ये कहा गया है आपको। अब सर इसमें कह रहा है एल्यूरोन परत की एक कोशिका में 48 क्रोमोसोम अगर हैं तो मियोसाइट की कोशिका में कितने क्रोमोसोम होने चाहिए? ये 3N इज इक्वल टू 48 इन्होंने कैलकुलेट ऐसे कर लो सिंपल वे में, एन जो है वो आपका हो जाएगा 16 और मियोसाइट जो है आपने बताया वो डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड कंडीशन में देख लो उस केस में क्या होगा, 32 ये 32 हो जाएगा। हां ये 3N होगा, ध्यान रखें ये 3N है, दिया है क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में मेंशन भी किया। तो इस तरीके से जो मियोसाइट है जैसे आपको दिया होता है ना सर हमारे वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस दिया, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मियोसाइट्स है, वो एग्जैक्टली जो मियोटिक डिवीजन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट 135 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट इन क्रोमोसोम व्हेन अ सेल एंटर इन G2 फेज फ्रॉम जीवन फेज। वो कह रहा है कि कौन सा एक कांस्टेंट रहता है, तो सेल जीवन में थी फिर एस में है G2 में है और फिर उसके बाद एम में है। तो जीवन से वो कह रहा है जब सेल किस में जा रही है, G2 में जा रही है, एस को होते हुए जाती है ऑब्वियस है, तो क्या कांस्टेंट रहेगा? आपने क्लियर कर लिया डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा जबकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स कांस्टेंट नहीं रहेगा बच्चों, जीवन में सिंगल मोनाड और डायड आ जाएगा और इधर डायड आ जाएगा। अमाउंट ऑफ डीएनए ये भी 2C से 4C हो जाएगा। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर बिल्कुल ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि क्रोमोसोम नंबर अगर कांस्टेंट है तो सेंट्रोमियर का नंबर भी जो है वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स? कांस्टेंट। देखो सर थोड़ा सा इसमें जो है ना वो इंटरेस्टिंग रेफरेंस डाला, क्रोमोसोम नहीं लिख के सेंट्रोमियर लिखा है, तो ईच क्रोमोसोम कंटेन ए सेंट्रोमियर। तो इस तरीके से आपका स्टूडेंट्स आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए बच्चों ये सेल बायोलॉजी 3rd का एपिसोड आपके साथ हमने डिस्कस किया। हम लोगों ने जैसा हम एफर्ट्स कर सकते थे जितना बॉटम में जाके जितना डेप्थ में जाके जितना अप्रोच लेके बात कर सकते थे उतना हमने प्रयास किया है, और आगे के टॉपिक्स में भी हम इसी तरीके से बात करते रहेंगे। सब्जेक्ट की कनेक्टिविटी को डिफाइन करेंगे, सब्जेक्ट की थीम को आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे सर। बिल्कुल, और मैं एक बात और कहना चाहूँगा सर कि ये जो बच्चे कंटिन्यू गुरुनीति देख रहे हैं आपको, अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें अपन सेल साइकिल को कम्प्लीटली जो है डिफाइन करेंगे, माइटोसिस सिक्वेंस और मियोसिस सिक्वेंस। तो थोड़ा सा आप जो है उस कंटेंट को रिवाइज करें, थोड़ा सा एनसीईआरटी से पहले रीड कर लोगे तो हम जो अप्रोच ले रहे हैं बीच बीच में काफी स्टेटमेंट जो कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सीधा रिवाइज करके जी पे आए आप तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये काफी पसंद आ भी रहा है और आएगा, और इसी तरीके से हम अपनी एनर्जी के साथ अपने अच्छे जो नॉलेज और कंसेप्ट्स उनके साथ आप तक डिलीवर करते रहेंगे। एंजॉय द सेल बायोलॉजी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।